सो लास्ट क्लास में हमने एनपीएस देखे, ठीक है, एनपीएस की प्रॉब्लम क्यों होती है, कैसे होती है, आज सॉल्यूशन देख लेते हैं, ठीक है। तो एक एक करके सॉल्यूशन देखते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, ठीक है, लेकिन उनमें से कोई भी इतना सक्सेसफुल नहीं रहा है। तो जो हमारा सबसे पहला सॉल्यूशन है, ठीक देखिए, अगर आप यहाँ पढ़ेंगे, मैंने आपको पहले बोला था नरसिम्हन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। नरसिम्हन ने 1991 में काफी चीजें बोली कि कैसे एनपी को आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो नरसिम्हन कमिटी है, उसने रिकमेंडेशन दिए थे कुछ, जिनको हमने बाद में माना भी। नरसिम्हन कमेटी का एक रिकमेंडेशन क्या था, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स, ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। मैंने आपको क्या बताया कि पहले कोर्ट में जाना होता था, पहले आपको कोर्ट में जाना है, और कोर्ट में क्या चलती थी, तारीख पे तारीख। डेट अलग से ट्रिब्यूनल्स बनाए गए, ट्रिब्यूनल्स मतलब अलग से कोर्ट बनाए गए, ट्रिब्यूनल्स, ठीक है, कुछ स्पेशल केसेस के लिए ट्रिब्यूनल्स बनाए जाते हैं। तो अलग से ट्रिब्यूनल्स बनाए गए किसके लिए, एनपीएस के केसेस को सॉल्व करने के लिए, कि अगर डिफॉल्टर है कोई और बैंक अगर उसकी जो भी प्रॉपर्टी अगर उसको सीज कर देता है, तो वो कोर्ट नहीं जा सकता, उसको कहाँ जाना पड़ेगा, डीआरटी, ठीक है। तो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स बनाए गए, ठीक है। तो ये कब बनाए, कौन से एक्ट में बनाए गए, ये मैं आपको बता चुका हूँ। रिकवरी ऑफ डेट ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट 1993, ठीक है। तो आज की डेट में लगभग 37 के आसपास डीआरटी है और 5 डीआरएटी है। खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये डेटा आपके लिए, पेपर में कोई नहीं पूछेगा। अब क्या हुआ, ठीक है, उनका ये कोई ज्यादा नंबर तो है नहीं, नंबर तो ये कम ही है, केसेस बहुत सारे हैं, केसेस बहुत सारे। आप देखो हर चीज के लिए बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स नहीं बना सकते, आपके पास मैन पावर भी होनी चाहिए। तो हमारे जो एनपी के केसेस है वो तो बहुत सारे हैं, वो लाखों में। आपको पता है कोर्ट में जैसे केसेस पेंडिंग है, क्योंकि तो कोर्ट में बहुत सारे केसेस हैं, ऐसे ही एनपी के केसेस भी डीआरटी में बहुत सारे पेंडिंग है। फिर अगर डीआरटी में कोई फैसला आता है तो डीआरएटी में अपील कर देते हैं आगे जाकर। तो इस वजह से ये कोई बहुत अच्छे से काम नहीं कर पाया। तो देयर नंबर इज नॉट सफिशियंट, देयर फोर दे ऑल्सो सफर फ्रॉम द टाइम लैग एंड केसेस आर पेंडिंग फॉर मोर देन 2-3 ईयर्स इन मेनी एरियाज, ठीक है। बहुत सारे केसेस इनमें भी पेंडिंग है, ठीक है। बनाए गए तो थे लेकिन इनका भी हाल कैसे ही हो गया, जैसे कोर्ट का हाल होता है, केसेस ही इतने ज्यादा है, कितने केसेस को वो रिजोल्व करेंगे। और अगर आप डीआरटी में, मान लो डीआरटी आपके फेवर में नहीं देता है, तो आप डीआरएटी चले जाते हो। तो जो डीआरएटी बनाए गए, जो डीआरटी बनाए गए थे, ये इतने सक्सेसफुल नहीं है, ठीक है। कुछ केसेस सॉल्व किया है इन्होंने, 2-3% केसेस सॉल्व कर पाए हैं ये, लेकिन पूरे एनपीएस से टैकल करने के लिए ये सफिशियंट नहीं है, ठीक है। तो पहला बनाया गया आपका डीआरटी, सेकेंड बनाया गया क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो। क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो, इसको हम सिबिल भी कहते हैं, सिबिल शॉर्ट में हम इसको कहते हैं सिबिल। इसी के बाद सिबिल बना है, सिबिल होता है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड, सिबिल। जब भी आप लोन लेने जाओगे तो आपका सिबिल स्कोर देखा जाएगा, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड, सिबिल स्कोर देखा जाएगा। जब भी आप लोन लेने जाओगे, बैंक आपका सिबिल स्कोर चेक करता है, साइट पे जाके आप सिबिल की साइट पे जाके चेक कर सकते हो। ये सिविल स्कोर आपका 300 से लेकर 900 के बीच में वेरी करता है, 300 to 900 वेरी करता है। अगर आपका सिविल स्कोर 900 है, मतलब कि आपका स्कोर बहुत अच्छा है, आपको कोई भी लोन दे देगा। अगर आपका 700 तक है तो भी ठीक है, आपको लोन दे देगा। उससे नीचे आप आओगे तो थोड़ा सा आप पे शक करेंगे वो, आप प्राइम से सब प्राइम। अगर आपका 300 है तो आपको कोई लोन नहीं देगा, मतलब ये पुअर कैटेगरी से वेरी गुड कैटेगरी की तरफ जाता है, ठीक है। तो जब भी आपको लोन लेना है तो आपका सिविल स्कोर देखा जाएगा, अगर 700 के ऊपर है तो आपको आसानी से लोन मिल जाएगा। इसका मतलब आपने किसी लोन को डिफॉल्ट नहीं किया। सिबिल स्कोर किस हिसाब से होता है कि आपने कितना है, जैसे यहाँ पे सबका डेटा होता है, सारे बैंक्स का डेटा होता है, जिन्होंने भी लोन लिया है सबका डेटा होता है,
सबका डेटा होता है, तो किसने कितना लोन लिया, किसने टाइम पे चुकाया, किसने टाइम पे नहीं चुकाया, किस पे कितने रुपए का लोन है, किस किस बैंक से लोन लिया हुआ है, वो सारा यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो। जैसे गवर्नमेंट के पास आपके आधार के बायोमेट्रिक्स है ना सबके, ऐसे यहाँ पे ये जो डेटाबेस है इसमें सारे के सारे लोन जितने भी हुए हैं आज तक, मतलब जिन्होंने भी लिए हैं लोन, उन सबका स्कोर है। ठीक है, तो जो आपका सिविल स्कोर है वो आपका बता देता है कि कितना आपने लोन लिया है, कहाँ से लोन लिया है, और आपने उसमें से कितना चुकाया, कितना नहीं चुकाया। ठीक है, तो क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो जो है आपका वो इसलिए बनाया गया। ठीक है, इसको हम सिविल स्कोर के नाम, सिविल के नाम से जानते हैं। किसी को कोई डाउट है क्या? सिविल स्कोर कैसे बनता है, क्या करोगे जान के? इंडिविजुअली होते हैं इसमें, इंडिविजुअल बैंक सब सब इंक्लूड होते हैं। मेरा भी सिविल स्कोर है, ठीक है, मैं लोन लूंगा तो मेरा सिविल में यहाँ पे डेटा एंट्री हो जाएगी, और उसके बाद मैं लोन टाइम पे चुका रहा हूँ, इसको हटा रहा हूँ, मैं स्क्रीनशॉट ले लो समझाता हूँ फिर, और इतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। सिविल स्कोर कैसे बनता है चलो बता देता हूँ, लेकिन कोई जरूरत है नहीं। मैंने लोन लिया, जैसे मान लो एक लोन लिया है, अब मेरी एंट्री हो जाएगी यहाँ पे इसकी डेटाबेस में गौतम मीणा के नाम से। ठीक है, इस बैंक से लोन लिया, मान लो मैंने SBI से लोन लिया, अब मैं टाइम पे, मैंने SBI से कभी नहीं लिया, SBI से मैंने नहीं लिया, मैं रियल एग्जांपल दे देता हूँ, मैंने कैनरा बैंक से लिया। कैनरा बैंक से लिया तो अब मैं टाइम पे EMI दे रहा हूँ, हर महीने में अपनी EMI देता हूँ, और एक बैंक, एक मैंने इंडियन बैंक से लिया, इसकी मेरी EMI मान लो 25,000 रुपए आती है, 25,000 आती है, और इसकी EMI मान लो मेरी 10,000। अब मैं इन दोनों की रेगुलर अगर EMI दे रहा हूँ कंटिन्यूअसली, तो मेरा सिविल स्कोर बहुत अच्छा होगा, हर हाल में 800 के आसपास। ठीक है, अगर मैंने पूरा लोन अपना चुका दिया तो मेरा सिविल स्कोर 900 जो मैक्सिमम है उसके आसपास होगा। अगर इनमें से मैं डिफॉल्ट कर गया किसी भी EMI में बीच में, तो मेरा सिविल स्कोर उसी हिसाब से पॉइंट आपके कट होने लगता है। तो आपका सिविल स्कोर यहाँ पे सबका होता है, जो भी लोन लेता है सबका सिविल स्कोर होता है। अगर आपका सिविल स्कोर कम है तो फिर आपको लोन लेने में बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि वो सिविल स्कोर आपका दिखाता है कि आपने लोन में कितना डिफॉल्ट किया। ठीक है, सो ए गुड इंफॉर्मेशन सिस्टम इज रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट लोन फॉलिंग इनटू बैड हैंड्स। ठीक है, एंड दे आर फॉर प्रिवेंशन ऑफ NPAs। जब किसी लड़की के लिए घर वाले लड़का देखते हैं तो उसका भी पूरा रिकॉर्ड चेक करते हैं ताकि अच्छा लड़का मिले, ऐसे यहाँ पे सिविल वैसे ही है। ठीक है, लोन आपकी लड़की है और जिसको आप लोन दे रहे हो वो लड़का है। ठीक है, तो यहाँ पे उसका पूरा बैकग्राउंड चेक करना पड़ता है कि सिविल स्कोर कैसा है। इट हेल्प्स बैंक्स बाय मेंटेनिंग एंड शेयरिंग डेटा ऑफ इंडिविजुअल डिफॉल्टर्स एंड विलफुल डिफॉल्टर्स। ठीक है भाई, पता चल जाता है किसने लोन ने, अब विजय माल्या का सिविल स्कोर 300 पे होगा। ठीक है, 300 से लेकर 900 होता है तो उसका 300 होगा, तो कहीं पे भी वो जाएगा, कोई भी बैंक चेक करेगा साइट पे जाके सिविल की पे, उसका देखेगा पूरा रिकॉर्ड होता है पुराने लोन आपने कितने लिए। ठीक है, तो उसका देखेगा तो उसका सिविल स्कोर कितना आएगा, 300 उसको लोन नहीं देगा वो। ठीक है, तो सिविल स्कोर आप किसी का भी, कोई भी बैंक कनेक्टेड है कोई भी बैंक चेक कर सकता है किसी का। ठीक है, आपका भी अपना सिविल स्कोर आप चेक कर सकते हो अगर आपने लोन लिया। ठीक है, क्लियर है, इतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आपको पेपर के लिए पता है क्या है, पेपर के लिए मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है। आपसे सॉल्यूशन पूछेगा तो सॉल्यूशन में आपको सिर्फ ये एक एक लाइन लिख के आनी है, ये नाम लिखना है और टू रिकवर द लोन दिस वर क्रिएटेड अंडर दिस एक्ट, बस
कहानी मत लिखने लग जाना कि आप इसको भी पूरा एक्सप्लेन करो इसको भी, क्योंकि अभी बहुत सारे सॉल्यूशन है। आप सारा लिखने लगोगे तो पूरी कॉपी तो उसी से भर जाएगी। आपको 150 वर्ड्स में कंप्लीट करना होता है, 150 या 250 वर्ड्स इतना ही आपको मिलेगा। आपको पूरी कहानी लिखने के लिए कॉपी नहीं मिलेगी। तो सॉल्यूशंस में आपको ये पॉइंट आउट करने, बस ये नाम लिखते जाना है। अगर आप नाम भी लिख दोगे उसमें ही आपको नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि लोग सिर्फ एक ही लिखेंगे इसको इसको एक्सप्लेन करते रहेंगे, उससे नंबर नहीं मिलेंगे। The more you write, the more point you write, the more marks you will get. तो अगर वो NPA पूछे तो NPA, वो आपसे ऐसे पूछेगा, what do you mean by NPA? What steps are taken by government to solve the problem of NPA? तो पहले NPA को डिफाइन करो क्या होता है, उससे प्रॉब्लम क्या होती है वो डिफाइन करो, फिर उसके बाद ये सॉल्यूशन डिफाइन करो। तो इसमें ही आपका 150-200-250 वर्ड्स हो जाएंगे। तो फिर इसमें ये आप सिविल में ये लिखने लगो कि भाई मैंने लोन लिया, फिर ये किया, फिर मैंने नहीं दिया, तो ये नहीं, ये सब इतना ज्यादा डिटेल जरूरत भी नहीं होती। लेकिन सिविल चलो काम की चीज है, आप जिंदगी में कभी लोन लो तो आपको सिविल स्कोर अच्छा होना। और जिसने कोई लोन नहीं लिया उसका सिविल स्कोर नहीं होगा। कहीं आप सोचो कि मैंने लोन नहीं लिया तो भी मेरा सिविल स्कोर होगा, नहीं, सिविल स्कोर सिर्फ लोन लेने वाले का होता है। ठीक है, जब भी लोन लोगे वहां एंट्री हो जाती है कि आपने, आपका नाम ये है, आपने यहाँ से लोन लिया। क्योंकि जब आप लोन लेने जाओगे तो आप अपने पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये कोई कुछ ना कोई डॉक्यूमेंट देते हो, तो उससे लिंक्ड होता है आपका बैंक अकाउंट, तो समझ जाते हैं कि किसने कौन सा लोन। ठीक है, तो ये आपका दो सॉल्यूशन हो गए। फिर लोक अदालत, ठीक है, लोक अदालत तो आपने पढ़ी होगी पॉलिटी में। ठीक है, लोक अदालत बनाई गई 2001 में। ठीक है, लोक अदालत में फैसले जो होते हैं वो बाइंडिंग होते हैं। ठीक है, बाकी आगे अपील नहीं होती, नो फर्दर अपील, ये सबसे बड़ा फायदा है। लेकिन लोक अदालत सिर्फ कौन से केसेस सॉल्व कर सकती थी, 5 लाख रुपए तक। ठीक है, लोक अदालत में चले जाओ आप, मतलब 5 लाख का लोन है तो बैंक, जो बैंक है लेंडर और बोरोवर, लोक अदालत जा सकते हैं, वहां पे नेगोशिएशन होंगे। नेगोशिएशन में मान लो इस पे बोरोवर पे आप कहते हैं 4.5 लाख का लोन है, ये देखो छोटे लोन होते हैं तो एक गरीब आदमी लेगा इतने छोटे लोन, 5 लाख तक के ही आपके। ठीक है, 5 लाख तक के मतलब गरीब लोग, तो फिर वो बोलेगा कि ठीक है यार तुम 4.5 नहीं दे सकते तो एक काम करो, तुम इसमें से हम आपको कुछ रिबेट दे देते हैं, आप 4 लाख वापस कर दो या 3 लाख वापस कर दो, इस तरह से वहां चलता है नेगोशिएशन। ठीक है, फिर दोनों में हो जाता है कि हाँ भाई ठीक है मैं इतना पैसा इतने दिन में वापस कर दूंगा, और फिर ये बाइंडिंग हो जाता है दोनों का। ठीक है, तो ये आपके लोक अदालत ने भी छोटे मोटे केसेस आपके सॉल्व किए, लोगों का कोर्ट में जाने से टाइम बच गया। क्योंकि आप अगर सिर्फ 4.5-5 लाख रुपए के लिए कोर्ट में जा रहे हो तो उतना तो आपका आने जाने में, ठीक है, हर बार हियरिंग में जाओगे, गाड़ी लेके जाओगे आप सरकारी, ठीक है, वकील भी सरकारी करोगे, इतना पैसा तो आप उसमें ही खर्च कर दोगे जितना आपको वापस में नहीं मिलेगा। ठीक है, DRT DRAT मैंने कर दिया था एक्सप्लेन पिछली क्लास में। ठीक है, अब आप थोड़ा लेट आओगे फिर वापस से मुझे वही चीज रिपीट करने को बोलोगे, कैसे करेंगे बताओ। DRT में आप अभी DRT और DRAT आगे भी आएगा, ठीक है, तो वहां समझ गए, अभी DRT और DRAT आगे भी आएगा, इनसॉल्वेंसी जब पढ़ाऊंगा अभी तो उसमें आएगा, तो वहां पे इसको वापस मैं समझा। ठीक है, अभी के लिए रिदम खराब नहीं करो, आगे आएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, लोक अदालत, ये आपको नाम याद रखना है, पहला DRT DRAT याद रखना है कि इंडिविजुअल पे अगर कोई डिफॉल्टर है तो DRT और DRAT में, पहले DRT में जाएंगे केस, वहां पे अगर आपको मंजूर नहीं है तो आप DRAT में जा सकते। ठीक है, लेकिन उनकी इतनी वो इतनी ब्रांचे मतलब इतने सारे है नहीं DRT DRAT जितने होने चाहिए, केसेस लाखों में लेकिन वो बहुत कम है, तो वो वहाँ पे भी पेंडिंग है बहुत सारे केसेस, हार्डली 2-3% केसेस सॉल्व कर पाए। ठीक है, दूसरा आपका क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो हो गया, तीसरा आपका लोक अदालत हो गया। ठीक है, ये आपको याद रखने पॉइंट, क्योंकि आपसे पॉइंट ही काम किया। अब सरफाइसी एक्ट हम पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार और देख लेते हैं। सरफाइसी एक्ट कब आया आपका, 2002 में। The securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest act 2000. Full form बताइए। The act permits
banks, financial institutions to recover their NPAs without the involvement of the court. मैंने आपको पहले ही बताया था कोर्ट में नहीं जाएंगे यहाँ पे DRT आएगा through acquiring and disposing of the secured assets. 1 लाख से ऊपर का होगा तभी ऐसा नहीं है कि किसी 50,000 का लोन है और सरफाइसी लगा दिया उसको नहीं ठीक है आप सीज कर सकते हो उसका सारा ठीक है आप सीज कर सकते हो कोर्ट नहीं जा सकते ठीक है सरफाइसी एक पावर देती है इसको बैंक्स को वो सीज कर सकते हैं ठीक है लेकिन सबसे पहले आपको एक नोटिस इश्यू करना पड़ेगा उसको कि भाई हम आपका जैसे मैंने देखा कोऑपरेटिव बैंक में जब थे तो ये नोटिस इश्यू करते थे कि हम आपका ये सीज करने वाले हैं हम आपका रिकवरी के लिए इसको बेचेंगे आप अगर लोन दे सकते हो तो हम आपको 15 दिन का टाइम दे देते हैं ठीक है एक नोटिस इश्यू करना ही पड़ेगा आपको नोटिस इश्यू करे बिना नहीं होता है नोटिस इश्यू करना पड़ेगा आपको ठीक है पहले तो आप दे बोल ही रहे हो उसको काफी टाइम से तो वार्निंग दे ही रहे हो कि लोन वापस कर दो फिर आपको नोटिस सरफाइसी एक्ट लगाने से पहले भी आपको नोटिस इश्यू करना पड़ेगा ठीक है फिर नोटिस इश्यू करने के बाद अगर वो नहीं देता है पैसा तो फिर उसके आप सीज कर सकते हो क्या कर सकते हो जो मैंने आपको बताया था ओनरशिप ठीक है उसका जो भी है सिक्योरिटी जो उसने कोलेटरल रखा है कंट्रोल मैनेजमेंट पे ठीक है किसी और को अपॉइंट कर दो मैनेज करने के लिए ठीक है और अभी थोड़े दिनों पहले इसको अमेंड किया गया 2016 में इसके एनफोर्समेंट को ज्यादा फास्ट करने के लिए अब इसमें कमाल की बात क्या है सरफाइसी एक्ट में इट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन एग्रीकल्चरल लैंड इट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन एग्रीकल्चरल लैंड एग्रीकल्चरल लोन्स पे सरफाइसी एक्ट नहीं लगता है तो फिर एग्रीकल्चरल लोन्स पे क्या लगता है एग्रीकल्चरल लोन्स पे कोई एक्ट नहीं लगता है एग्रीकल्चरल लोन्स में इसलिए एग्रीकल्चरल लोन्स पे इसलिए हम देते हैं एक कंसेप्ट होता है जिसे कहते हैं हेयर कट अभी आगे पढ़ाऊं अब एग्रीकल्चरल लोन्स पे क्यों नहीं लगता है क्योंकि आपने लोन लिया तो आपने क्रॉप पे लोन लिया होगा क्रॉप पे लोन लिया अब वो बैंक वाला क्या आपकी क्रॉप उठा के ले जाएगा क्या कोलेटरल के फॉर्म में नहीं और फिर दूसरा क्या पीएसएल लोन माना जाता है ये एग्रीकल्चर वाला और फार्मर्स को ये माना जाता है कि उनको आप ज्यादा परेशान नहीं कर सकते लोन दिया तो दिया नहीं दिया तो नहीं दिया बाद में उनको वेवर दे दिया जाएगा तो आपका सरफाइसी एक्ट का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है ये एग्रीकल्चर लोन पे नहीं लगता ठीक है उसके अलावा बाकी लोन्स पे लगता है एग्रीकल्चरल लोन्स पे सरफाइसी एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल प्रीलिम्स के लिए याद रखिएगा ठीक है सरफाइसी एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन एग्रीकल्चर ठीक है सरफाइसी एक्ट भी हम पहले भी पढ़ चुके हैं आपको नाम तो याद रखना ही ठीक है उसके बाद एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज भी मैंने आपको बताया था एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज क्या होती है जैसे मान लो एक किंगफिशर मान लो ये आपका किंगफिशर एयरलाइंस है एयरलाइंस ठीक है और इसने अपना लोन नहीं दिया वापस ठीक है अब क्या हुआ अब बैंक ने इसके एसेट्स को सीज कर दिया लेकिन बैंक्स भी किसी कंपनी के एसेट्स एक टाइम से ज्यादा नहीं रख सकते अपने पास ज्यादा से ज्यादा 7 साल तक रख सकते हैं अपने पास ठीक है 7 साल में आपको उसको बेच बाच के पूरा सेटलमेंट करना होता है लेकिन बैंक्स के पास इतना टाइम होता नहीं है कि वो एसेट्स को बेचने जाए ऑप्शन करे वो क्या करता है गवर्नमेंट ने किसको अलाउ किया बैंक्स को अलाउ किया कि आप एसेट्स को किसको भेज दो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जैसे आपको फ्लैट लेना होता है किराए पे तो आपको डायरेक्टली नहीं मिलता तो फिर बीच में किसके थ्रू लेते हो आप एजेंट के थ्रू लेते हो क्यों एजेंट के थ्रू लेते हो क्योंकि एजेंट को सारे फ्लैट्स का पता होता है कहाँ पे अच्छा फ्लैट है कहाँ की लोकेलिटी अच्छी है कहाँ पे आपको सस्ता मिलेगा कहाँ पे खाना अच्छा है ठीक है आप कहीं पे भी चले जाओ आज की डेट में आप फ्लैट लेना है तो आपको एजेंट के थ्रू मिलता है
ठीक है, क्योंकि उसको पता होता है आप खुद तो भटकते रहोगे, मुंबई में तो यही है, गुजरात में भी यही है, ठीक है, कुछ जगह पे नहीं हो सकता है, लेकिन अधिकतर जगह पे ऐसे। यहाँ पे बैंक भी कहाँ भटकेगा अपने एसेट्स को बेचने के लिए, वो क्या करता है, वो एआरसी को दे देता है, ये जितने भी एसेट्स हैं इसके सारे, किंगफिशर एयरलाइंस के सारे एसेट्स किसको दे दिए, बैंक ने इसको दे दिया, इसको बोला भाई ये एसेट्स हैं इतने। अब वो इन एसेट्स को रिकंस्ट्रक्ट करेगा, रिकंस्ट्रक्ट करने का क्या मतलब है कि वो एसेट्स को उनको एक एक करके बेचेंगे। जैसे किसी को उसके हवाई जहाज चाहिए एयरक्राफ्ट, उसको एयरक्राफ्ट बेच देंगे, किसी को बिल्डिंग चाहिए उसकी बिल्डिंग बेच देगी किसी, या कुछ मान लो उसके पास कुछ मशीन्स होंगी रिपेयर करने के, उन मशीन्स को किसी और को बेच देगी, यानी ये क्या करती है टुकड़ों में बेचती है। इनकी एक्सपर्टीज होती है। अब ये क्या करेगी, यहां से पैसा लेके आएगी, बेच के इसको मनी रिकवर करेगी, उसमें से बैंक को वापस करेगी पैसा जितना बैंक का, और खुद का कुछ कमीशन अपने पास रखेगी। ये होती है आपकी एसेट रिकंस्ट्रक्शन। जैसे आपने नाम सुना होगा रिकवरी एजेंट का, जब कोई क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं देता है तो बिल पे बिल चढ़े जा रहा है, वो नहीं दे रहा, तो फिर रिकवरी एजेंट्स को बोला जाता है, वो जाएंगे उसके घर पे, वो बिल नहीं दे रहा तो उसके घर का सामान उठा के ले आएंगे, मोटरसाइकिल, फ्रिज, टीवी, फ्रिज, एसी, जो भी मिलेगा उसको मार्केट में ले जाके बेच देंगे, जो पैसा आएगा उससे क्रेडिट कार्ड का बिल दे देंगे और अपना कमीशन रखेंगे। तो एआरसी इस तरीके से काम करती है। एआरसी की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि बैंक्स के पास इतना तो एक्सपर्टीज है, बैंक्स का काम है लोन देने का। अब बैंक्स को आप बोलोगे कि तू जाके एसेट्स बेच दे, तो वो बैंक का काम नहीं, बैंक का काम लोन देने का है, तो बैंक लोन दे सकता है, लेकिन उसके बाद जो प्रॉब्लम्स आ रही है इतने सारे, ठीक है। अब जैसे मेरा काम है आपको पढ़ाने का, लेकिन आप किसको एडमिशन देना है, किससे कितनी फीस लेनी है, कैसे आप जून पे कब क्लास लेनी है, कैसे लिंक क्रिएट करना है, ये काम मेरा नहीं है, ऐसी बात नहीं है मैं नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैं ये काम करूंगा तो फिर मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा ढंग से, मेरा टाइम तो उधर चला जाएगा, मेरा ध्यान तो उनमें रहेगा, तो बैंक अगर इन चीजों के पीछे पड़ जाएगा तो वो लोन लोन वाला काम उसका रह जाएगा। इसलिए एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को परमिशन दी गई, आरबीआई ने अलाउ किया उनको, उनको लाइसेंस दिया गया कि भाई आप जाके और ऐसा काम करो, इसमें बैंक की भी हेल्प हो जाएगी और आप। अब देखो सारा पैसा तो वापस नहीं मिलना, क्योंकि एक कीमत पे बिकेंगे तो उस कीमत पे तो नहीं बिकेंगे, ये क्या करती है फिर ऑक्शन करती है इनका फ्री मार्केट में, लेकिन आपको पता है उस कीमत पे तो नहीं बिकेंगे तो जितना भी पैसा आएगा कुछ तो सही, कुछ तो मिल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आपने एसेट सीज करके रख दिए बैंक ने अपने पास 7 साल तक, तो वो खराब हो जाएंगे एसेट पड़े पड़े, इससे बेटर है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को दे दो, कुछ तो वापस आएगा। तो इस तरह से आपके एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज काम करेगी, ठीक है, क्लियर। बहुत ज्यादा डिटेल में चले गए हम, इतने डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं, तो देखिए आपका एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। द आरबीआई गेव लाइसेंस टू न्यू एआरसीज आफ्टर द अमेंडमेंट ऑफ द सरफेसी एक्ट ऑफ 2002, ठीक है। पहले एआरसीज थे, अब नई को और दे दिया, अभी 2016 में अमेंड किया गया। दिस कंपनीज आर क्रिएटेड टू अनलॉक वैल्यू फ्रॉम स्ट्रेस्ड लोन्स। Before this law came, lenders could enforce their security interest only through courts, which was a time-consuming process. पहले आपको कोर्ट जाना पड़ता है, कोर्ट में वही तारीख पे तारीख, ARC आप सीज करो सरफेस एक्ट के थ्रू, ARC को दे दो, ARC बेच के आपको पैसा दे देगी। कोर्ट में जाओगे तो वहां पे तारीख पे तारीख चलती रहेगी, तब तक उसके एसेट्स की भी वैल्यू कम हो जाएगी, नहीं तो तब तक वो आपका लोन और इधर उधर से 2-4 जगह से लोन ले ले, ठीक है। तो इससे बेटर है कि आप उसको अगर करना है तो एआरसी एक आपके पास सॉल्यूशन, लेकिन एआरसी भी कितने केसेस को सॉल्व करेगी, एआरसी भी कोई बहुत ज्यादा इतनी सारी तो है नहीं, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी कम ही है वो भी, जैसे रिलायंस भी है इसमें डील करता है, लेकिन आप
सामान को बेचने जाओगे उसमें भी सोची चीजें होती है, पहले सीज करो फिर बेचने जाओ, ठीक है, उसमें भी काफी टाइम लगता है। तो ये भी हार्डली 5% केसेस सॉल्व कर पाएंगे आज तक, ठीक है। इसलिए एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज भी कोई बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं था। हाँ करें हैं इन्होंने, जैसे आपका वो तो 2-3% ही कर पाया था DRT को, लेकिन इसने 5% के आसपास केसेस सॉल्व, और अभी भी कर रही है जितने कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया एसेट रिकंस्ट्रक्शन। इसके बाद आता है कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग 2005 में एक स्कीम लेके आई RBI, कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग। समझो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि किसी भी लोन पे दो चीजें होती है, कोई भी लोन होगा उस पर दो चीजें होती हैं। एक होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट और एक होता है लोन का टाइम पीरियड। मान लो अब यहां पे कोई कंपनी है एक्स, उसको मैंने लोन दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट है मेरा 10%, मान लो 12% है, 10% तो कम हो जाएगा, 10% भी रखो कोई दिक्कत नहीं, 12% है और टाइम पीरियड है मान लो 10 ईयर्स का, और इसने लोन लिया है मान लो मेरे से 50 करोड़, बैंक से लोन लिया 50 करोड़। ये कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब समझो आप। कॉर्पोरेट तो आपको समझ ही आ गया जो बिजनेसमैन है, डेट आपको पता ही चल गया, लोन है, रिस्ट्रक्चरिंग क्या होता है। अब मान लो स्लो डाउन आ गया इकॉनमी में, देयर इज स्लो डाउन, और इसकी कंपनी भी अच्छे से नहीं कमा रही, अब ये इतना इंटरेस्ट नहीं दे सकता, तो उस केस में मैं क्या करूं, मैं इसके इसके लोन का टाइम पीरियड बढ़ा सकते हैं। आप लोन का टाइम पीरियड बढ़ाओगे तो अपने आप इंटरेस्ट कम हो जाएगा, ठीक है, लोन का टाइम पीरियड बढ़ाते इंटरेस्ट अपने आप कम हो जाएगा। तो आप क्या करो, ऐसा करो कि इसके लोन का टाइम पीरियड मैंने बढ़ा के 20 साल कर दिया और इंटरेस्ट जो 12% था उसको मैंने कर दिया 8%। किस शर्त के साथ कि आगे जाके जब आपकी कंपनी की कंडीशन सुधर जाएगी तो हम वापस से इस पे आ जाएंगे। ठीक है, वापिस से हम इसी चीज पे आ जाएंगे। तो ये भी बहुत से केसेस में किया गया है, ठीक है, इसे रिस्ट्रक्चरिंग कहते हैं। बहुत से लोन में ये भी किया जाता है, एनपी टैकल करने के लिए ये भी एक तरीका है, बहुत से लोन में ये भी किया जाता है, ठीक है, जहां पे कंपनी का मन होता है पैसे देने का, उससे बात की जाती है कि भाई ऐसा करते हैं, कंपनी खुद बोलती है यार मेरा टाइम पीरियड बढ़ा दो। जैसे मान लो मैं हूँ अभी, मान लो मेरे अभी तो अच्छी खासी सैलरी है, कल को मान लो फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाए, बैंक को भी पता है ऐसा हुआ तो बैंक बढ़ा देगा टाइम पीरियड, मेरी इंटरेस्ट कम हो जाएगा। बैंक को तो फायदा ही है, देखो आप टाइम पीरियड बढ़ाते हो तो आपने 8% भी रखा, अगर आप 20 साल के लिए 8% पे दे रहे हो और 10 साल के लिए 12% पे दे रहे हो, यहाँ आपको ज्यादा पैसा मिलेगा फिर लेते हैं। बैंक को नुकसान नहीं है कहीं पे, बैंक को तो फायदा ही है दोनों जगह, लेकिन वो क्या है, वो जो जो आपका कॉर्पोरेट है जिसने लोन लिया है वो भी विलिंग होना चाहिए ना कि हाँ भाई ठीक है आप बड़ा इंटरेस्ट रेट कम कर दो, मेरा टाइम पीरियड बढ़ा दो, मैं आपको लोन दे। जैसे मैं हूंगा तो मैं बोलूंगा ठीक है मैं दे दूंगा। तो ऐसे लोन काफी ऐसे भी सॉल्व होते हैं, ठीक है। तो कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग में ऐसा किया जाता है, ठीक है। आगे एक और स्कीम आएगी, इसको बार बार ही इसी स्कीम को बार बार नए नाम से डाला जाता है, ठीक है, आगे देखेंगे ये स्कीम वापस से। इट इज फॉर रिड्यूसिंग द बर्डन ऑफ द डेट्स ऑन द कंपनी बाय डिक्रीजिंग द रेट्स पेड मतलब इंटरेस्ट एंड इंक्रीजिंग द टाइम द कंपनी हैज टू पे द ऑब्लिगेशन, ठीक है, यानी इंटरेस्ट आप कम कर दो और जो लोन का टाइम पीरियड है उसको बढ़ाओ, ठीक है, ऐसा किया जाता है। तो आपने भी किसी से उधार लिया हो, वॉइस ब्रेक हो रही है, अब अभी भी हो रही है, अब हो रही है वॉइस ब्रेक,
अब हो रही है या नहीं हो रही है कोई स्प्रे? नहीं हो रही ना, वो बीच में हुआ था प्रॉब्लम, ठीक है थोड़ा सा, अभी तो नहीं है ना, अभी तो क्लियर है। कुछ ऐसा है जो आपको समझ नहीं आया हो बोलो, मैं समझा देता हूँ वापस से। अभी भी हो रही है बीच बीच में? क्या यस सर, ब्रेक हो रही है वॉइस? अच्छा बीच बीच में ब्रेक हो रही है। सो कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग में हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट कम कर देते हैं और टाइम पीरियड बढ़ा देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मेरे से आप में से कोई मान लो, या आपसे मैं किसी से 10 लाख रुपए ले लेता हूँ, मान लो उमर से ले लेता हूँ, उमर ऋषु, ठीक है 10 लाख रुपए लिए उसने मुझे बोला कि इस पे मैं 5% इंटरेस्ट दूंगा या लूंगी जो भी, मुझे नहीं पता लड़का है लड़का, तो 5% इंटरेस्ट मुझे पे कर दे, ठीक है, और ये मुझे कितने साल में वापस कर देना, ये मुझे 1 साल में वापस कर देना। अब मान लो मेरे पास नहीं है, 1 साल में वापस नहीं कर सकता, मेरी कंडीशन नहीं है इस तरह की, मैं बोलूंगा मैं इसको 2 साल में वापस करूंगा, ठीक है, और इस पे इंटरेस्ट थोड़ा कम कर दो, टाइम पीरियड बढ़ा के 4% कर दो, तो 1 साल के हिसाब से उसको कितना मिल रहा है, 5%, 2 साल के हिसाब से 4%, आप कैलकुलेट कर लेना, आपको तो यहाँ ज्यादा फायदा होगा। तो बैंक्स को तो नुकसान नहीं है, लेकिन दोनों के बीच में क्या है, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है ये वाला, कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग दोनों के लिए विन विन सिचुएशन, उसका भी काम चल गया। देखो काम चलना चाहिए, हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमी में या फिर अपनी जिंदगी में भी, काम चलना चाहिए, काम नहीं रुकना चाहिए। अगर आपका कोरोना चल रहा है तो भी देश में काम चलना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ रुक जाएगा, पढ़ाई लिखाई आपकी चलनी चाहिए, ऐसा नहीं किताबें बंद करके बैठ गए कि ऑफलाइन क्लास होगी तभी पढ़ेंगे, हमने इसलिए आपके लिए ऑनलाइन कर दी, पढ़ना तो है ही, ठीक है। ठीक है तो इधर ध्यान दो आप, ठीक है उधर ध्यान नहीं दो आप, मेरी बातों पर ध्यान दो, ओके। तो ये आपका कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चर, ठीक है, बच्चों को बस पॉइंट चाहिए। अब 525 रूल, ये भी सेम वैसा ही है कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चर, मैंने कह रहा हूँ ना इसका नाम बदल के बस बार बार नाम बदल दिया जाता है, 5/25 रूल। ये लाइन पढ़िए, द लोन टेन्योर कैन बी इंक्रीज्ड टू 25 इयर्स विद इंटरेस्ट रेट रिव्यूड एवरी 5 इयर्स। अभी मैंने आपको बताया 5/25 रूल का मतलब क्या है, किसी ने लोन आपका 10 साल के लिए लिया और उस पर इंटरेस्ट है मान लो 10%, अब उसकी कंपनी की हालत खराब है तो आप इस 10 साल को कहां तक बढ़ा सकते हो, 25 साल तक बढ़ा सकते हो, और इस इंटरेस्ट को फिर कम करोगे। लेकिन जब इस कंपनी की हर 5 साल में आप क्या करोगे, उस कंपनी को रिव्यू करोगे हर 5 साल कि भाई इसकी अगर कंडीशन सही हो गई तो वापस से आप इसी वाले पे आ जाओगे, तो इसको कहते हैं 5/25 रूल। 25 इयर्स तक बढ़ा सकते हो आप, उसका टाइम पीरियड बढ़ा दो और साथ में इंटरेस्ट को चेंज कर सकते हो, और हर 5 साल में आपको रिव्यू करना है, तो इसलिए इसको बोलते हैं 5/25 रूल। तो इसका दूसरा नाम क्या है, फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट लोन्स टू इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कोर इंडस्ट्रीज। फ्लेक्सिबिलिटी आपने दे दी यहाँ पे, क्यों, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर लोन होता है वो लंबे टाइम तक के लिए फंस जाता है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर रोड वगैरह बनानी है, बीच में मान लो कुछ भी आ गया, स्लो डाउन आ गया तो नहीं बना पाए, या माइनिंग का वो क्या कुछ एनवायरमेंटल कंसर्न आ गई, कहीं रोड मान लो किसी आपके पार्क से होके पास हो रही है, ठीक है नेशनल पार्क से, वहां पे नहीं मिला आपको लैंड का एक्विजिशन का वो, ठीक है पार्क से निकालने का नहीं मिला, फिर उसको आप घुमा के लेके जाओगे कहीं से, तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो होते हैं, हाईवे बनाना है, कुछ भी बनाना है, ठीक है आपको ब्रिजेस बनाने,
उनमें क्या है, पैसा लंबे टाइम के लिए जरूरत पड़ सकती है, तो आप ऐसे केसेस में क्या कर सकते हो, ये वाला तरीका यूज कर सकते हो, 5/25। ठीक है, फिर आ गया जॉइंट लेंडर फॉरम, ये भी बनाया आरबीआई ने। जॉइंट लेंडर फॉरम क्या है, सारे बैंक्स का एक ग्रुप है, कौन से बैंक्स का, जिनके लोन एनपीए बन गए, स्ट्रेस्ड हो गए, इन सबका ग्रुप है। क्यों ये ग्रुप बनाया गया है, देखो ऐसा है ना, जैसे मान लो यहाँ पे चार दोस्त हैं, यहाँ पे मैं हूँ गौतम, ठीक है, और मेरे तीन दोस्त हैं एक्स वाई जेड, यहाँ पे कोई पर्सन है पी, इसने मुझसे लोन लिया, मुझसे पैसा उधार मांगा 5 लाख, वापिस नहीं किया, इसने इससे भी लिया 3 लाख, वापिस नहीं किया, इसने इससे भी लिया 2 लाख, वापिस नहीं किया, इससे 2 लाख लिया, इससे 1 लाख। अब अगर हम चारों को आपस में पता होता, जैसे इन तीनों को पता होता कि इसने मेरे से पहले से पैसा ले रखा और वापस नहीं किया, तो ये इसको पैसा देते नहीं देते। या दूसरा केस क्या हो सकता है, ये इससे 3 लाख रुपए ले, उस 3 में से 2 मुझे वापस कर दे और बाकी का 1 खुद यूज कर दे, मतलब ये दूसरे से पैसा लेके मुझे चुका रहा है, लेकिन उसके पास अल्टीमेटली तो पैसा किसी और का ही आया। तो ये चीजें ना हो कि आप एक बैंक से लेके लोन और दूसरे बैंक का लोन चुकाओ, क्योंकि इसका एनपी नहीं बना तो फिर इसका एनपी बन जाएगा, इसलिए ये जॉइंट लेंडर फॉरम बनाया गया सारे पीएसपी का। अब क्या होता है, ये सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स रिकॉर्ड रखते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं सारी इंफॉर्मेशन कि मेरे यहाँ से ये विलफुल डिफॉल्टर है, उसका नाम सारा डेटा कितना लोन लिया शेयर करते हैं, ताकि वो उनके वहां अप्लाई करे अगर, ठीक है, सिविल स्कोर तो होता ही है, ठीक है, लेकिन साथ में क्या है, कई बार सिविल स्कोर खराब होने के बाद भी बिजनेसमैन को लोन दे दिया जाता है, ठीक है, कि भाई चलो मान लो इसका प्रोजेक्ट फंस गया होगा, लेकिन जब आपको ये पता है ये बिल्कुल डिफॉल्टर है, इसने जानबूझ के लोन वापस नहीं किया है, तो उसका उसको आप नहीं दोगे, तो सारे बैंक्स का क्या है, ग्रुप है, तो ये क्या है, एक दूसरे के साथ सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, जैसे हमने चारों ने इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी, तो अब ये हमसे पैसा लेने आएगा तो हम में से कोई नहीं देगा, क्योंकि हमें पहले ही पता है कि ये पैसे वापस नहीं करता या एक से लेकर दूसरे को दे देता है। इट वॉज क्रिएटेड बाई द इंक्लूजन ऑफ ऑल पीएसपीज हुज लोन हैव बिकम स्ट्रेस्ड, इट इज प्रेजेंट सो एज टू अवॉइड लोन टू द सेम इंडिविजुअल और कंपनी फ्रॉम डिफरेंट बैंक्स, इट इज फॉर्मुलेटेड टू प्रिवेंट द इंस्टेंसेस वेयर 1% टेक्स ए लोन फ्रॉम वन बैंक टू गिव ए लोन ऑफ अदर बैंक। ये नहीं हो कि इसकी यहाँ पे इसकी टोपी उसके सर करता रहे, ठीक है, इसकी टोपी उसके सर, इस बैंक का से लिया इसको दिया, दूसरे बैंक से लिया फिर इसको दिया, फिर दूसरे, अल्टीमेटली तो क्या है, एनपीए तो है, ठीक है, किसी ना किसी बैंक को तो नुकसान होना ही होगा। क्या चल रहा है ये क्लास में, Jafar, if you want to write, then write to that person directly. Don't write it to everyone. You are in the class. Okay? और जो चीजें हो गई डिस्कशन खत्म करो ना, आप पढ़ाई में ध्यान दो, तभी बच्चों से बोल रहा हूं मैं। हाँ ठीक है, leave it. Okay? Leave it. छोड़िए इसको। एक मैंने आपको गौतम बुद्ध की कहानी सुनाई थी, अगर आपको याद हो तो, ठीक है, दिमाग में नहीं रखनी होती है, हटाओ उसको, अब मत लिखो कुछ भी मैसेज में, पढ़ाई पे ध्यान। अब आप बच्चे नहीं रहे, कल को केएस बनोगे, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन संभालोगे, छोटी छोटी बातों को दिल पे लोगे, तो वहां तो आपको एक से एक लोग मिलेंगे जो रोज आपका मूड खराब करके जाएंगे, फिर क्या करोगे कि नौकरी छोड़ देंगे, नहीं, वहां तो डेली चैलेंजेस होंगे, आपको पब्लिक से डील करना है वहां पे भाई, तो ठीक है, मैंने मजाक में बोला, आप लोगों ने उस चीज का मतलब इधर अलग ही कहानी चलने लग गई, ठीक है, उसको हटाओ, ठीक है, भूल जाओ सब, पढ़ाई पे जाओ, ठीक है। अब आपके यहाँ पे चैट्स दिखी, मुझे लगा डाउट है किसी को, वहां जाके देख रहा हूँ कुछ अलग कहानी चलती है, ओके, तो ये आपका दोनों चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद आया मिशन इंद्रधनुष,
ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल सकता है और प्रीलिम्स में भी यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, बताऊंगा क्या क्वेश्चन है। मिशन इंद्रधनुष आया 2015 में, ये भी एनपीएस का प्रॉब्लम हटाने के लिए ही है। एनपीएस का प्रॉब्लम हटाने के लिए कैसे, ये समझो, लॉन्च्ड इन अगस्त 2015 अंडर डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, ये याद रखना है कि इंद्रधनुष कौन से डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया था, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, और ये किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसके अंदर आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है, अगस्त 2015 में लॉन्च किया गया, नाम ही इंद्रधनुष है। इंद्रधनुष का मतलब क्या है, सेवन, ठीक है, इंद्रधनुष का मतलब होता है सेवन, तो सेवन स्टेप है इसमें, इंद्रधनुष में सेवन कलर्स होते हैं, तो यहाँ पे सेवन स्टेप्स हैं बैंक्स को सुधारने के लिए, किसके लिए, टू रीवैम्प द स्ट्रेस्ड पीएसबीज। रीवैम्प का मतलब रीवाइटलाइज, वापस से जान फूकना, रीवाइटलाइज, रीवाइटलाइज, रिज्यूविनेट, या आप कह सकते हो रीबॉर्न, वापस से रीबर्थ, ठीक है, वापस से उनको मैं जान फूकने के लिए, टू रीवैम्प, गिरे हुए हैं वो उनको उठाना है। स्ट्रेस्ड पीएसपी, स्ट्रेस्ड पीएसपी मतलब जिनका एनपीएस बहुत बढ़ गया है। देखो बैंक्स का एनपीए बढ़ने का एक कारण तो गवर्नमेंट भी है, गवर्नमेंट का प्रेशर रहता है, गवर्नमेंट अपनी मर्जी के लोगों को बोर्ड वो डाल देती है, बैंक का चेयरमैन बना देती है, तो आपको थोड़ा उसमें भी सुधार करना पड़ेगा। साथ में क्या है, आपने कुछ पोस्ट क्या है ऐसे क्रिएट कर रखी जहाँ पे एक ही आदमी सबको संभाल रहा है, उसमें भी आपको चेंज करना पड़ेगा। साथ में जो बैंक्स को, जो बैंक्स स्ट्रेस्ड है उनको आपको पैसा देना पड़ेगा, कैपिटलाइज करना पड़ेगा, ठीक है, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, बैंक्स को ऑटोनॉमी देनी पड़ेगी। तो यही सब स्टेप्स हैं इसमें, सेवन स्टेप्स, तो एक एक करके देखते हैं सेवन स्टेप्स क्या है। ठीक है, पहली आपकी अपॉइंटमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज है, इसने एक और स्कीम लॉन्च की जो हम आगे पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री जनधन योजना, जिसमें आज तक 42 करोड़ के आसपास अकाउंट खोले जा चुके हैं। ये अगस्त 2015 में हुई थी, ये अगस्त 2014 में हुई थी, बस डिफरेंस है अगस्त 2014। ठीक है, अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट में क्या है, पहले क्या है, आपका एमडी और सीईओ यानी चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी, दोनों की पोस्ट एक ही बंदा संभालता था। अब एक बंदा कैसे ये दोनों पोस्ट संभाल सकता है, दोनों के काम अलग अलग है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था ना, इस तरह से डिवाइड, इस तरह से होता है, दो पार्ट में गए, इधर आपका चेयरमैन होता है और इधर आपका एमडी होता है। अब ये दोनों पोस्ट अगर अकेला एक बंदा संभाल रहा है तो वो ये वाला काम भी देखे डेली का भी और यहाँ पॉलिसी मेकिंग भी देखे, तो इफेक्टिवली देख पाएगा नहीं। तो पहली चीज इसने क्या बोली कि इन दोनों पोस्ट को बाइफर्केट कर दो, तो सेपरेट पोस्ट ऑफ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर टू चेक फॉर एक्सेसिव कंसंट्रेशन ऑफ पावर। ठीक है, वर्ल्ड में ऐसे ही फॉलो होता है, ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस है, वहां पे अलग अलग होती है। तो पहला तो इसने आज की डेट में हर बैंक की हमने चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर को जहां अधिकतर जगह पे सेपरेट कर दिया। ठीक है, तो पहला क्या किया कि इन पोस्ट को अलग अलग करो ताकि ज्यादा अच्छे से काम देख पाए, आपने एक ही जगह सारी पावर कंसंट्रेट कर रखी है, चेयरमैन भी उसी को बना रखा है, उसी को बना रखा है। जैसे अब आज की डेट में मान लो मुझे बोला जाए कि सारे सब्जेक्ट में ही पढ़ाऊ, तो मैंने आपको कल भी बोला था ना, ठीक है, यू कैन बी मास्टर ऑफ सम बट यू कैन नॉट बी द जैक ऑफ ऑल ट्रेड। ठीक है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड में मास्टर ऑफ नन हो जाएगा फिर। ठीक है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड बट मास्टर ऑफ नन। ठीक है, बैंक बोर्ड ब्यूरो, ठीक है, बैंक बोर्ड ब्यूरो बनाया गया, अभी तक गवर्नमेंट अपॉइंट करती थी इनको, ठीक है, जो जो बड़ी पोस्ट होती थी इनको गवर्नमेंट अपॉइंट करती थी, लेकिन बैंक बोर्ड ब्यूरो बनाया गया, उसने अपॉइंटमेंट बोर्ड को हटा दिया। अपॉइंटमेंट बोर्ड कौन सा था, जो पहले अपॉइंट करता था, जिसमें गवर्नमेंट के लोग बैठते थे, बैंक बोर्ड ब्यूरो बनाया गया जिसमें बाहर के बंदे को सेलेक्ट किया जाएगा चेयरमैन। तो आज की डेट में चेयरमैन है श्री बीपी शर्मा, भानु प्रताप शर्मा। यहां से क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने प्रीलिम्स में कि आज की डेट में पीएसबी के जो
चेयरमैन वगैरह होते हैं पीएसबी के अपॉइंटमेंट जो किए जाते हैं उनको कौन करता है, तो उनको करता है बैंक बोर्ड। ठीक है, तो बैंक बोर्ड ब्यूरो सारे अपॉइंटमेंट करता है पब्लिक सेक्टर बैंक के, आजकल जो भी है हायर वाले जितने भी होते हैं सब। और ये उनको वो भी देता है कि आपको किस तरह से एनपीएस को टैकल करना है, ये भी उनको बताता है। किस तरह से आपको फंड्स रेज करने हैं, ये भी उनको बताता है। यानी ये बैंक्स की हर तरीके से हेल्प करता है। ठीक है, तो ये इसमें कौन होते हैं आपके, इसमें 6 मेंबर होते हैं, कुछ आरबीआई के होते हैं, कुछ गवर्नमेंट के होते हैं और एक चेयरमैन होता है। ठीक है, तो आपको चेयरमैन का नाम मैंने बता दिया, वैसे पेपर में कोई चेयरमैन का नाम नहीं पूछेगा लेकिन फिर भी आपको पता होगा। ठीक है, बैंक्स को एडवाइस करता है किस किस चीज पे, हाउ टू रेज फंड्स। ठीक है, एनपीएस को कैसे देखना है, हाउ टू गो अहेड विद मर्जर्स एंड एक्विजिशन। अगर किसी बैंक का मर्जर करना है, ठीक है, वो भी यही सब चीजें देखता है। अब क्या बात है, मर्जर एक्विजिशन एमलगमेशन, ये तीनों जब हम इंडिया के रेस्पेक्ट में यूज करते हैं तो तीनों सेम इंटरचेंजेबली हम इनको यूज करते हैं, बट ये सेम नहीं होती है, ये तीनों चीजें अलग अलग होती हैं। ठीक है, मैं आपको अभी मर्जर ऑफ बैंक्स पढ़ाने वाला हूँ थोड़ी देर में, वहां पे ये तीनों चीजें मैं आपको समझा दूंगा। समझाने को अभी भी समझा सकते हैं लेकिन अभी मिशन इंद्रधनुष चल रहा है तो इसमें इनको नहीं लाते हैं अभी, बस आ जाएगा। तो मर्जर जब पढ़ाऊंगा तो वहां पे पहले ये समझा दूंगा क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पे कई बार जगह आप मर्जर लिखा देख सकते हो, कहीं पे जगह पे एक्विजिशन लिखा देख सकते हो, तो हमारे यहाँ पे हम इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। लेकिन अगर आप बाहर की बात करो फॉरेन वगैरह में, तो वहां पे इनका मतलब अलग हो जाता है। वहां पे स्पेसिफिकली अगर मर्जर है तो मर्जर वर्ड यूज किया जाएगा, एक्विजिशन है तो एक्विजिशन यूज किया जाएगा, अमलगमेशन है तो अमलगमेशन यूज किया जाएगा। ओके, तीसरा पॉइंट इसका क्या है, कैपिटलाइजेशन। ठीक है, मैंने आपको बोला अगर कोई बैंक की हालत खराब है उसको आप कैपिटलाइज करो। तो जब ये इंद्रधनुष आया था 2015 में, तो गवर्नमेंट ने बोला था कि जो बैंक से उनको कितने पैसे की जरूरत है, 1,80,000 करोड़ की, 80,000 करोड़ की जरूरत है। ठीक है, बैंक को 1,80,000 करोड़ की जरूरत थी, किसके लिए, एक तो बेसल के लिए, क्यों बेसल के लिए जरूरत है, क्योंकि एनपीए ज्यादा थे, बैंक के पास पैसा नहीं था तो गवर्नमेंट को पैसा देने की जरूरत थी उनको। तो गवर्नमेंट ने बोला 1,80,000 में से 70,000 करोड़ तो हम दे देंगे और वो दे भी दिए गवर्नमेंट ने, 70,000 करोड़ तो गवर्नमेंट ने दे दिए, लेकिन बाकी 1,10,000 करोड़ बैंक्स को खुद लेके आने थे, वो तो बैंक्स नहीं ला पाए, तो वापिस से गवर्नमेंट को इनको रिकैपिटलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो पुराना डेटा है, क्योंकि हम अभी इंद्रधनुष पढ़ रहे थे उसी का पॉइंट पढ़ेंगे। तो उस पॉइंट में लिखा था 1,80,000 करोड़, जिसमें 70,000 करोड़ गवर्नमेंट को देने थे और बाकी के कौन, बैंक्स खुद लाते हैं। बैंक्स कैसे लाते हैं, शेयर्स इशू करके लाते हैं, या इक्विटी आपका किसी से उधारी लेके आओ, बॉन्ड्स इशू करके, दो चीजों से ला सकते हैं, एक तो शेयर्स, दूसरा बॉन्ड्स। लेकिन अगर बैंक्स खुद घाटे में चल रहे हैं, उनके एनपीए इतने ज्यादा है, तो अगर वो शेयर्स भी इशू करेंगे, बॉन्ड्स भी इशू करेंगे, तो ज्यादा लोग नहीं खरीदेंगे, तो वो ला तो पाए लेकिन इतना नहीं ला पाए। तो फिर ये बाद में गवर्नमेंट ने और इनको दिया है पैसा, 2.1 लाख करोड़ आ गया था ये डेटा ज्यादा आगे, तो इस पर अभी नहीं जाते हैं। रिकैपिटलाइज करने के बाद गवर्नमेंट ने इतना पैसा दिया, 2.11 लाख करोड़। ठीक है, तो इसको छोड़ो अभी, अभी आप इस पे रहो। तो इंद्रधनुष में 70,000 करोड़ गवर्नमेंट ने दिए, कैसे दिए, ऐसे दिए, '15-'16 फाइनेंशियल ईयर में 25,000 दिए, फिर अगले में फिर 25,000 दिए 16-17 में, 17-18 में 10,000 दिए, फिर 18-19 में 10,000 दिए, और ऐसे करके पूरा 70,000 करोड़। ठीक है, बाकी 1,10,000 करोड़ के लिए गवर्नमेंट ने बोला आप खुद लेके आओ। नहीं, स्टाफ को बैंक बोर्ड ब्यूरो नहीं करता है, हायर पोस्ट चेयरमैन, ठीक है, एमडी चेयरमैन हायर पोस्ट वाले की बात करते हैं। ठीक है, स्टाफ तो के लिए तो एग्जाम होता है, हमने अपॉइंटमेंट में पढ़ाना उनको करता है। ठीक है, मुशारत, मुशारत पठान,
ठीक है, स्टाफ को नहीं करता है, स्टाफ के लिए तो एग्जाम, जिनके लिए एग्जाम होता है उनको बैंक बोर्ड भी तो थोड़ी ना करेगा, जिनके लिए एग्जाम नहीं होता है वो पोस्ट, ठीक है, हायर पोस्ट, चेयरमैन की पोस्ट हो गई, एमडी की पोस्ट हो गई। पहले गवर्नमेंट अपने बंदों को बिठा देती जिनमें कैपेबिलिटी नहीं होती, अब बैंक बोर्ड ब्यूरो नॉमिनेट कर वो करता है सेलेक्ट, ठीक है, तो वो किसको सेलेक्ट करेगा जिसमें वो है कैपेसिटी है, ठीक है। अब मतलब कि क्या आपका नेपोटिज्म खत्म हो गया एक तरह से, कुछ हद तक भाई भतीजावाद खत्म हो गया, क्लरिकल स्टाफ या जो आपका पीओ वगैरह का एग्जाम है वो थोड़ी ना बैंक बोर्ड ब्यूरो कराएगा, वो तो आपका आईपीपीएस कराता है, उसका एग्जाम आप लिखो हो जाएगा, लेकिन उसमें भी इनको सजेशन देती है ये बैंक बोर्ड ब्यूरो कि आपको किस तरह का स्टाफ चाहिए, किस तरह का होना चाहिए, ठीक है, तो सारी हेल्प करता है उनकी, जिस भी तरह की हेल्प चाहिए। डिस्ट्रेसिंग, ठीक है, देखो क्या क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी, सेवन है ना, जैसे उसमें सात कलर होते हैं, विब्रियो रेनबो में सात कलर होते हैं, ऐसे यहाँ पे सेवन स्टेप्स है, ए फॉर अपॉइंटमेंट, बी फॉर बैंक बोर्ड ब्यूरो, सी फॉर कैपिटलाइज, डी फॉर डिस्ट्रेसिंग, ई फॉर एम्पावरमेंट, ठीक है, और आगे आपके दो आएंगे कवर टैक्स, ठीक है। तो डिस्ट्रेसिंग क्या होता है, डिस्ट्रेसिंग में क्या है, बैंक्स को आपको स्ट्रेस उनका खत्म करना है, बैंक्स का स्ट्रेस खत्म करना है और उनके एनपीएस को भी आपको खत्म करना है। उसके लिए आप क्या करो, सबसे ज्यादा एनपीए बने हुए इंफ्रास्ट्रक्चर, सबसे ज्यादा एनपीएस इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, क्योंकि वहीं पे आपके प्रोजेक्ट अटक जाते हैं, तो सबसे पहले उनको सॉल्व करने की जरूरत है। तो जो आपका इंद्रधनुष प्लान है उसने कोशिश की है कि सबसे पहले किसके एनपीए सॉल्व किए जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के, सबसे ज्यादा एनपीए वहीं पे बने हुए, और वहां पे एनपीए है तो एनपीए का मतलब ये नहीं कि वो लोन नहीं देना चाहते, वहां पे एनपीए इसलिए बने हुए क्योंकि प्रोजेक्ट बीच में अटक गए, प्रोजेक्ट बीच में अटक गए हैं, तो अगर उनको प्रोजेक्ट के लिए पैसा चाहिए तो उनको नया लोन दे दो, क्योंकि आप नया लोन नहीं दोगे तो वो एनपीए ही रहेगा वो जिंदगी में। तो सबसे पहले डिस्ट्रेसिंग में क्या है कि सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर के एनपीए को सॉल्व करना है, फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट इज एम्पावरमेंट, बैंक्स को एम्पावरमेंट दे दो, ग्रेटर ऑटोनॉमी दे दो कि वो अपने हिसाब से जो उनको एम्प्लॉइज चाहिए, मैन पावर चाहिए, उसको हायर कर सके, अपने हिसाब से हायर कर सकते, वो आईबीपीएस के थ्रू करना चाहे आईबीपीएस के थ्रू करें, अपना खुद का एग्जाम कराना चाहे जैसे एसबीआई कराती है खुद का एग्जाम कराती कर सकते हैं, आरबीआई अपना एग्जाम कराती है आरबीआई अपना एग्जाम कराती है, वो अपने खुद का एग्जाम ले सकते हैं, आईबीपीएस के थ्रू ले सकते हैं, किसी और तरीके से ले सकते हैं, सारी अटोनमी उनके पास है, वो एग्जाम में किस तरह का सिलेबस डालेंगे वो सब अटोनमी उनके पास है, तो एम्पावरमेंट, ठीक है। नेक्स्ट इज एफ, फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड गवर्नेंस, दो बच गए आपके, तो वो दो क्या कहते हैं, फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटेबिलिटी, फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटेबिलिटी क्या कहता है, जैसे समझो बात को, जैसे मैं हूं, मैं अभी एआई में हूँ, क्या होता है हमारा है ना, फाइनेंशियल ईयर ही चलता है, फाइनेंशियल ईयर आपका चलता है अप्रैल से शुरू होता है, जैसे अभी अप्रैल आपका 21 से शुरू हुआ है और ये चलेगा आपका अप्रैल 21 से लेके मार्च 25 तक, इसी बीच है ना क्या होता है, हमें शुरू में ही कुछ काम दिया जाता है कि आपको पूरे साल में ये काम करना है, तो उसे कहते हैं केपीआई, मैं यानी कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, आपको काम पहले अलॉट कर दिया गया, आपको वो काम करना है, उसके हिसाब से हमारी क्या बढ़ी जाती है, पार, परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट, परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट, और उसी हिसाब से आपको आगे जाके प्रमोशंस मिलते हैं और साथ में इसके बेसिस पे आपको कुछ पैसा भी मिलता है, ठीक है, कुछ पैसा भी मिलता है, जिसे कहते हैं परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, पीआरपी,
परफॉर्मेंस रिलेटेड पे। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर ये जो इंडिकेटर्स है इन पे मैं अच्छा काम करता हूँ तो हमारे या फिर नंबर मिलते हैं उस हिसाब से, एक्सलेंट, वेरी गुड, गुड। जिसको एक्सलेंट मिला मतलब उसको आगे जाके प्रमोशन पे फायदा मिलने वाला है, साथ में उसको बहुत पैसा मिलने वाला है साल के, मतलब एक साल का उसको 2-3 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिल जाएंगे ऊपर से, बोनस टाइप होता है। ठीक है, ये बोनस टाइप होता है। तो ऐसे ही आप बैंक के लिए भी कर दो, सबके लिए केपीआई, हर बैंक के लिए, हर एम्प्लॉय के लिए। तभी तो, नहीं तो पता चलता है लंच ही कर रहे हैं वो 3 घंटे से। उनके लिए सबके लिए केपीआई लिखे हो कि भाई आपको ये काम करना है तो करना है। ठीक है, आपको एनपीए जितने कम करने हैं तो करने हैं, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इतनी होनी चाहिए तो होनी चाहिए। ठीक है, आपका लोन जो होने चाहिए वो इतने जाने चाहिए, इसको इसमें से इससे कम एनपीए बनने चाहिए। मतलब आप यहाँ पे टारगेट फिक्स कर दो। प्राइवेट सेक्टर में होते हैं, प्राइवेट बैंक में होते हैं, इसलिए उनके एनपीए कम है। तो ये कहलाता है फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटेबिलिटी। सबकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करो, जैसे हमारी फिक्स है ना भाई हमारी ऑफिस में। अब मान लो मेरा केपीआई नहीं हो तो मुझे पता ही नहीं होगा मुझे क्या काम करना है, फिर तो मैं बैठा रहूंगा सीट पे जाके आ रहा हूँ। अब मुझे केपीआई में 6 काम दिए हुए हैं मान लो, जैसे मैं अपना बता देता हूँ, मुझे 6 काम दिए हुए, जैसे मुझे एनओसी का देखना है, मुझे रिपोर्ट्स का देखना है मान लो, मुझे टूर पे भी जाना है, ठीक है, उसके बाद आरटीआई का भी देखना है, इस तरह से मेरे को 6 काम दिए हुए। अब मैं वो और बाकी जो अलग से बीच बीच में आ जाता है एक्स्ट्रा काम वो अलग, ये 6 काम मुझे करने ही करने हैं। अगर मैं नहीं करूंगा तो मेरी पार में क्या लिखा रहेगा, किसने ये काम नहीं किया, तो मुझे क्या मिल जाएगा, गुड मिल जाएगा या पुअर मिल जाएगा। वो मिल जाएगा तो आगे जाके मुझे ना तो पीआरपी मिलेगी, लोगों को 3 लाख मिल रही है, मुझे 10,000 मिलेगी, 20,000 मिलेगी, और ना मुझे प्रमोशन में फायदा होगा। तो अगर आप केपीआई फिक्स कर दोगे तो सबको फायदा, विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन। और लास्ट में गवर्नेंस रिफॉर्म्स, बैंक्स की गवर्नेंस को सुधारने के लिए क्या करो, आप सब लोग बैठो, सारे के सारे लोग, ठीक है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स वाले, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वाले, यानी कि एनबीएफआई वगैरह वाले, सब बैठो, एक ज्ञान संगम शुरू किया है इन्होंने, जैसे मोदी जी मन की बात करते हैं पीएम साहब हमारे, ऐसे ये ज्ञान संगम एक शुरू किया। उस ज्ञान संगम में ये सब लोग बैठते थे और क्या बात करते थे, ज्ञान की बात करते थे कि कैसे बैंक्स को सुधारा जाए, कैसे एनपीएस को कम किया जाए। मतलब यहाँ पे चाय नाश्ता हो, तो पहली हुई पुणे में 2015 में, फिर हुई 2016 में गुरुग्राम में, उसके बाद नहीं हुई। ठीक है, कोरोना तो बाद में आया लेकिन उसके बाद नहीं हुई, मतलब ये फेल हो गया। तो ज्ञान संगम में क्या होता है, लोग बैठते हैं, ये दूर दूर से आते हैं, बड़े बड़े होटल्स में रुकते हैं, पैसा खर्च करते हैं और वहां पे जाके फिर चाय पे चर्चा करते हैं। गुरुग्राम नाम क्यों है इसका, पहले गुड़गांव था, गुरुग्राम नाम के क्योंकि ये द्रोणाचार्य को गिफ्ट मिला था, इसलिए गुरु द्रोण थे तो उनको गिफ्ट दिया गया था, इसलिए गुरुग्राम, गुरु का ग्राम, विलेज ऑफ गुरु। जैसे आप में से कोई मुझे कोई विलेज गिफ्ट करते हैं। लेकिन आजकल वो गुरु शिष्य परंपरा रही नहीं, पहले खत्म हो गई, आजकल तो वो वाली बात है, गुरु गुड़ी रहे चेले शक्कर हो गए। ठीक है, हटा देते हैं इसका स्क्रीनशॉट पे। ठीक है, इसमें कोई डाउट है, हाँ नायक कब, देखो सही बात है, रिकैपिटलाइज नहीं कर सकते लेकिन ऑप्शन नहीं है ना हमारे पास। ऐसे तो फार्म्स को लोन वेवर भी नहीं देना चाहिए, किसानों को लोन नहीं देना चाहिए, वो वापस नहीं आता है, तो सब पीजे नायक कमेटी के हिसाब से नहीं चल सकता ना। पीजे नायक कमेटी ने तो ये भी बोला है कि गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग को डाइल्यूट कर दो बिल्कुल आप, ठीक है, बोला ना पीजे नायक कमेटी, बोलने में और होने में बहुत फर्क होता है। अब मैं भी आपको बोलता हूँ कि आप पढ़ो डेली, आप क्लास में आओ, अच्छे से पढ़ाई करो, सुबह जल्दी उठो, कितने लोग फॉलो करते हैं, आप मेरी बात फॉलो करोगे आप बन जाओगे, सेलेक्ट हो जाओगे, लेकिन फॉलो करने वाली बात है ना। पीजे नायक कमेटी ने जो भी बोला सब फॉलो नहीं कर सकते ना, रिकैपिटलाइज करना पड़ेगा मजबूरी, ठीक है, नहीं तो कोई और ऑप्शन नहीं है। इसलिए तो हमने बैंक्स को भी पूरा रिकैपिटलाइज नहीं किया ना, 70,000 करोड़ ही तो दी है। बाकी का हमने क्या बोला, खुद से लेके आओ,
कल को बैंक बंद हो गए तो सब बंद हो, इकोनॉमी में मेन तो वही है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम उनकी वजह से होता है। ठीक है, तो पीजे नायक कमेटी ने जो दिए हैं रिकमेंडेशन उनमें से कुछ माने, सब नहीं मान सकते। ठीक है नादिया, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? फार्म लोन राइट ऑफ क्यों नहीं करते, वेव ऑफ क्यों करते हैं? बिकॉज ऑफ वोट बैंक पॉलिटिक्स, कि हमने आपका लोन माफ कर दिया, हमें वोट देते हैं। ठीक है क्लियर? किसान को थोड़ी ना समझ आएगा राइट ऑफ। आप किसान को बोलोगे मैं तुम्हारा लोन राइट ऑफ कर रहा हूँ, किसान क्या बोलेगा, अरे क्या होता है राइट ऑफ, माफ करना है करो नहीं तो जाओ। ठीक है मानो, क्लियर? हाँ क्लियर है, इज इट क्लियर मानो? हाँ, वो मिशन इंद्रधनुष अलग है वैक्सीनेशन वाला। ठीक है, वो बच्चों के लिए इंद्रधनुष वैक्सीनेशन वाला भी है। ठीक है, उसका नाम है मिशन इंद्रधनुष उसका भी। ठीक है, वैक्सीनेशन वो अलग है, वो अलग है भाई, ये अलग है वो अलग है। उसमें 7 वैक्सीन लगाते हो और बच्चों को अब तो बढ़ा दी गई है, अब तो 12 कर दी गई है, 5 और ऐड कर दिया गया उसमें। ठीक है, वो वैक्सीनेशन से रिलेटेड है। ठीक है, ये आपका बैंक से रिलेटेड है। तो जब पेपर में पूछा जाएगा तो एक में से, दो में से एक ही ऑप्शन भी, दो में से एक ही ऑप्शन दिया जाएगा। बैड बैंक अभी पढ़ाऊंगा मैं, बैड बैंक अभी आना है भाई, अभी अच्छे बैंक चल रहे, अभी बुरा बैंक आप मुझे पढ़ाने देते ही नहीं हो, क्वेश्चन पहले पूछने लग जाते हो, मैं क्या करूं बताओ, बताइए क्या करूं। बैड बैंक तो अभी आएगा ना आगे। चलो चले आगे फिर। ठीक है, अब इंद्रधनुष 2.0 की बात भी चल रही है। संगीता राजपूत रेड हैंड, नहीं सॉरी वाली कोई बात नहीं, अभी पढ़ेंगे। इंद्रधनुष 2.0 की बात भी चल रही है, वो किसके लिए? बेसल 3 नॉर्म्स के लिए, बैंक्स को कंप्लाई कराने के। अभी हम बेसल 3 पे नहीं पहुंचे, तो बेसल 3 पे पहुंचने के लिए बैंक्स को पैसा और देना पड़ेगा, तो उसके लिए इंद्रधनुष 2.0। ठीक है, तो ये इसमें कुछ ज्यादा कुछ नहीं है, इतना ही है बस। ठीक है, अब आपका एक और क्या है, अब वो हो गया मिशन इंद्रधनुष हो गया, अब और तरीका क्या है एनपीएस को हटाने के लिए? स्ट्रेटेजिक डेट रिस्ट्रक्चरिंग एक और तरीका है, ये आरबीआई लेके आया 2015। इसमें क्या करते हैं, स्ट्रेटेजिक वर्ड है, स्ट्रेटेजिक देखो, अंडर दिस स्कीम बैंक्स हु हैव गिवन लोन टू ए कॉर्पोरेट बोरोवर्स गेट्स द राइट to convert the complete or part of their loans into equity shares. It can be sold to the highest bidders after authorization by existing shareholders. समझो बात, मान लो ये कोई बैंक है, इससे किसी ने लोन लिया, मान लो यहाँ किंगफिशर एयरलाइंस ने लोन लिया इससे, और इससे लोन लिया 100 करोड़। ठीक है, 100 करोड़ का लोन लिया, अब ये नहीं चुका पा रहा, ये क्या है 100 करोड़ का लोन, क्या डेट है, डेट उधारी है, डेट है ना उधारी है। अब ये बैंक क्या कहेगा, इसको बोलेगा तू एक काम कर, इससे करेगा वो नेगोशिएशन, बोलेगा इस डेट को किसमें कन्वर्ट कर दे, इक्विटी में कन्वर्ट कर दे, मतलब तू मुझे 100 करोड़ के शेयर्स दे दे अपनी कंपनी के। तू लोन नहीं दे पा रहा कोई बात नहीं, तू अपनी कंपनी के मुझे शेयर्स दे दे 100 करोड़ के। ठीक है, अब बैंक उससे अगर वो राजी हो जाएगा तो उससे ले लेगा शेयर्स। देखो कोशिश की जाती है ना ये, मतलब ये हर जगह पे अप्लाई नहीं होगा, आप कर बोलोगे उसको ऑप्शन दोगे आप, अगर वो मानता है ठीक है, नहीं तो फिर बाद में तो क्या होना है, बाद में तो उसकी कंपनी बिकनी है, लिक्विडेट होनी ही होनी, लिक्विडेशन होना ही होना। ठीक है, अगर वो मान जाता है बहुत अच्छी बात है, तो अगर मान गया मान लो तो उसको इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया आपने, इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया आप, आपके पास 100 करोड़ के शेयर्स आ गए भाई, और मान लो हर एक शेयर की कीमत कुछ है,
मान लो, मान लेते हैं कि हर कीमत, हर शेयर की कीमत 100 रुपए है। अब क्या करोगे आप उसका, अब बैंक तो क्या करेगा, इक्विटी लेके, बैंक को थोड़ी ना किंगफिशर में जाके और अपना वो देखना पड़े, देखना है उसे तो अपना पैसा चाहिए। वो क्या करेगा, वो इसकी बिडिंग करेगा, क्या करेगा, इसकी बिडिंग करेगा कि जिसको खरीदने खरीद लो। अब उस शेयर्स को मैं भी खरीद सकता हूँ, उस शेयर को जो किंगफिशर के ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है वो भी खरीद सकते हैं, किंगफिशर वाला खुद भी उसको वापस खरीद सकता है, उसको इंडिगो वाला खरीद सकता है, उसको कोई भी खरीद सकता है, बैंक को मतलब नहीं है, बैंक को अपने पैसों से मतलब है। तो स्ट्रेटेजिक डेट रिस्ट्रक्चरिंग में हम क्या करते हैं, डेट को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, ये देखो यहाँ पे लिखा है स्ट्रेटेजिक डेट रिस्ट्रक्चरिंग। इसमें सिर्फ आपको आपके काम के लिए एक ही लाइन है कि डेट को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, इक्विटी। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि भाई अगर आप डेट को इक्विटी में कन्वर्ट कर रहे हो, जैसे मान लो अभी मैं इसको हटा रहा हूं, एक जो लिखा है स्क्रीनशॉट ले लो इसका, अगर आप डेट को इक्विटी में कन्वर्ट कर रहे हो आप अचानक से क्या हुआ, उस कंपनी के शेयर होल्डर बन गए 100 करोड़ के मालिक। लेकिन आप अगर उस कंपनी के इतने सारे शेयर्स आपको दिए जा रहे हैं, तो उसके लिए जो पहले से उसके शेयर होल्डर्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं उनसे तो आपको पूछना पड़ेगा, क्योंकि वो भी कंपनी के क्या है, मालिक है, जिसके पास शेयर्स हैं वो सारे उसके मालिक हैं, तो आपको उनसे भी पूछना पड़ेगा कि भाई इस डेट को हम इक्विटी में कन्वर्ट कर दें क्या। अचानक से पता चला आपने 100 करोड़ के शेयर्स लेके आपके पास उनसे ज्यादा शेयर्स हो गए, आपका मैनेजमेंट में रोल आ गए, तो उनसे पूछना पड़ेगा। और कोई भी शेयर होल्डर अपनी परमिशन देगा नहीं, वो क्यों चाहेगा कि कोई और आ जाए। इस वजह से ये वाला ज्यादा काम नहीं किया, एक दो केस में दी परमिशन शेयर होल्डर्स ने कि चलो कोई नहीं, फर्क नहीं पड़ता, बल्कि इक्विटी में बैंक आ रहा है तो हमारे थोड़ा इसका कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी, तो इस वजह से ये आपका ज्यादा काम नहीं कर पाया, क्योंकि यहाँ पे आपको किससे पूछना पड़ेगा, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। ठीक है, अब इससे अगला हाँ, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ आपको कि जहां पे फिजिबल होता है वहीं पे करते हैं, जहां पे फिजिबल होता है। मैंने बार बार यही चीज बोली है कि हर केस में नहीं किया जा सकता, जहां पे शेयर्स की प्राइस बहुत कम है वहां पे क्यों चेंज करेगा, वहां तो बोलेगा मेरा लोन ही वापस करो। उसके लिए इनिशियली अगर आपको पता चल गया कि हाँ भाई ये आगे जाके घाटे में जाने वाला है, अभी इसके शेयर्स की वैल्यू ठीक है, अभी कर लेते हैं और बेच देते हैं शेयर्स। ठीक है अभिषेक, क्लियर है? हाँ अभिषेक क्लियर है, अभिषेक ओके। हर जगह नहीं कर सकते, जहां फिजिबल है वहीं कर, इसलिए ज्यादा काम नहीं किया ना, मैं आपको बोल तो रहा हूँ ज्यादा काम नहीं किया। ठीक है, प्रॉब्लम्स हैं इनमें सब में, तभी तो एनपीए अभी तक है हमारे पास, बढ़ ही रहे हैं बल्कि। इससे अगला है आपका स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट्स, ये उसी से थोड़ा सा बेटर है। इसमें क्या है, देखो यहाँ पे भी क्या है, सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट्स। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, डेट को आप दो पार्ट में डिवाइड कर दो, दो पार्ट में किसमें डिवाइड करोगे, एक जैसे मान लो आपने 100 करोड़ का लोन लिया, 100 करोड़ में से आपका ऐसा है कि आप भाई आपने दो जगह पे इन्वेस्ट किया, एक ऐसा है जहां से पैसा आपको मिल रहा है, जहां से आप कमा रहे हो, तो एक में आपने इन्वेस्ट किया मान लो 50 करोड़, वो आपका सस्टेनेबल कंपोनेंट है जहां से आप लोन वापस कर सकते हो, तो एक तो सस्टेनेबल कंपोनेंट हो गया। दूसरा 50 करोड़ आपने ऐसे प्रोजेक्ट में लगा दिया जहां से पैसा आपको नहीं मिल रहा है, किसी ऐसी कंपनी में लगा दिया, ये वाला पार्ट कैसा हो गया, ये वाला पार्ट एनपी है। ये वाला क्या है आपका, ये आपका स्ट्रेस एसेट हो गया। इसको किसमें कन्वर्ट कर दो, इस वाले पार्ट को किसमें कन्वर्ट कर दो, इक्विटी। इस पार्ट को किसमें कन्वर्ट कर दो, इक्विटी।
तो यहाँ पे क्या है, उस वाले में तो हम क्या कर रहे थे, उस वाले में तो हम सबको स्ट्रेस्ड मान रहे थे इससे पहले वाले में, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले उसका एनालिसिस करेंगे कि जो लोन लिया उसमें से कितना लोन वापस मिल सकता है, मतलब जो ये वापस कर रहा है, जो इसने सही जगह पे लगाया है उसको तो हम सस्टेनेबल कंपोनेंट पे छोड़ देंगे, उसको नहीं छेड़ेंगे। उसके अलावा जो बाकी का लोन बना है एक्सेस कंपोनेंट, उसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, डेट में। लेकिन कंडीशन ये है कि जो सस्टेनेबल डेट है वो 50% से ज्यादा होना चाहिए। मतलब अगर टोटल आपने 100 करोड़ का लोन लिया तो सस्टेनेबल आपका कम से कम 51 करोड़ होना चाहिए, तब आप 49 करोड़ को बाकी को किसमें कन्वर्ट कर सकते हो, इक्विटी में। दूसरी बात क्या है, यहाँ पे इक्विटी में आप कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन यहाँ इक्विटी में कन्वर्ट करोगे तो इक्विटी में यहाँ पे आप शेयर्स में कन्वर्ट नहीं करोगे, यहाँ पे आप करते हो प्रीफेरेंशियल शेयर्स में। किसमें कन्वर्ट करने का ऑप्शन है आपके पास, प्रीफेरेंशियल शेयर्स। अब डिफरेंस क्या होता है शेयर्स में और प्रीफरेंशियल शेयर्स में, शेयर्स में और प्रीफरेंशियल शेयर्स में डिफरेंस होता है, समझो बात, इसको हटाते हैं। एक होता है आपका शेयर्स, एक होता है आपका डेट, और इन दोनों के बीच के को बोलते हैं प्रीफरेंशियल शेयर। शेयर में आपको क्या मिलता है, शेयर में आपको डिविडेंड मिलता है, मतलब शेयर में आपका जो प्रॉफिट है वो कैसा होता है, चेंज, चेंजेबल प्रॉफिट होता है, मतलब वेरिएबल प्रॉफिट। शेयर की वैल्यू बढ़ेगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा, शेयर की वैल्यू कम होगी तो प्रॉफिट कम होगा। यहाँ पे डेट में आपको क्या मिलता है, फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है। फिक्स्ड इंटरेस्ट ठीक है, तो इसमें क्या मिलता है, इसपे है तो नाम शेयर, लेकिन इसका आपको मिलता है फिक्स्ड डिविडेंड, वही फिक्स्ड इंटरेस्ट, फिक्स्ड डिविडेंड फिक्स्ड मिलेगा यहाँ पे, यहाँ पे वेरिएबल नहीं मिलेगा, ठीक है, यानी ऐसा ही, ठीक है। फिर शेयर्स पे क्या होता है आपका, अगर किसी कंपनी का लिक्विडेशन हुआ, कोई कंपनी बिकी, तो इनका सबसे लास्ट क्लेम होता है, इनका सबसे लास्ट में इनको पैसा मिलता है। कोई कंपनी अगर बिकी, लिक्विडेशन हुआ, तो इनका फर्स्ट क्लेम होता है, सबसे पहला पैसा उनको दिया जाएगा जिससे पैसा लोन में लिया, यानी बैंक्स, फिर शेयर होल्डर को बांटा जाता है बाद में, बच गया तो। अगर इनका क्या होता है, इनका क्लेम किससे पहले होगा, इनका क्लेम होगा, क्लेम बिफोर शेयर होल्डर्स, यानी सबसे पहला क्लेम इनका, दूसरे नंबर पे क्लेम इनका, तीसरे नंबर पे क्लेम इनका, ठीक है। फिर थर्ड डिफरेंस क्या है, ये शेयर होल्डर होते हैं, इनका शेयर होता है कंपनी में, ना तो ये शेयर होल्डर होते हैं, इनका कोई का शेयर नहीं होता है। प्रिफरेंशियल शेयर का मतलब क्या है, सिर्फ आपका इस तरह का इक्विपमेंट है, इस तरह का वो है आपका इंस्ट्रूमेंट, और यहाँ पे ये भी शेयर होल्डर्स नहीं होते हैं। तो अगर आप देखो तो ये कैसा है, आपका एक हाइब्रिड है, हाइब्रिड क्यों, डिविडेंड तो मिल रहा है इसपे, जैसे यहाँ डिविडेंड मिलता है, लेकिन फिक्स्ड मिल रहा है, वेरिएबल नहीं मिल रहा, शेयर है लेकिन शेयर होल्डिंग नहीं है, शेयर है फिर भी इसका क्लेम पहले है शेयर होल्डर से। तो प्रीफरेंशियल शेयर क्यों आपको अपील करते हैं, अपील करने के पीछे कारण क्या है, एक तो पहला कारण तो ये है कि इनमें आपको डिविडेंड मिलेगा फिक्स, दूसरा क्या है, आपका क्लेम इनसे पहले, इनसे पहले, और आपको शेयर की चिंता करने की जरूरत नहीं, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है आपको तो आपका फिक्स पैसा मिलता है। अब अगर आप प्रीफरेंशियल शेयर में कन्वर्ट करोगे, तो क्या इनको कोई प्रॉब्लम होगी, इनको, इनको नहीं होगी कोई भी प्रॉब्लम, क्यों, क्योंकि यहां पे इनकी शेयर होल्डिंग डाइल्यूट नहीं हो रही है, कोई मालिक नहीं बन रहा है, तो प्रीफरेंशियल शेयर में। लेकिन आप बताओ
जो कंपनीज घाटे में जा रही है उनके प्रेफरेंशियल शेयर खरीदेगा कौन, इस वजह से ये स्कीम भी फेल हो गई। अगली बात समझ में, इन तीनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, मैंने आपको समझा दिया बहुत अच्छे से, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, प्रेफरेंशियल शेयर क्या है, आपका लगता शेयर है लेकिन शेयर नहीं, इसमें फिक्स डिविडेंड मिलता है। इसका क्लेम इनसे पहले होता है, शेयर होल्डर से पहले, और ये शेयर होल्डर नहीं होता है, उसमें शेयर है इसके पास लेकिन शेयर होल्डर नहीं है। ये कैसा है, एक तरह से आपका हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट है, इसको हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, दिस इज हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट, दोनों का मिक्स है ये, हाइब्रिड डेट प्लस इक्विटी का मिक्स है। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, ये आपको समझ आ गया पूरा। ठीक है, क्या होता है प्रेफरेंशियल शेयर, कैसे कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट इज एसेट क्वालिटी रिव्यू, ये भी अच्छा है, 2015 में आया, ये भी अच्छी चीज है। इसमें क्या करूं, टाइम है, खत्म कर देते हैं इसको। इसमें क्या करना है एसेट क्वालिटी रिव्यू में, आपको एसेट क्वालिटी रिव्यू में कुछ नहीं करना। जैसे आपका क्या है, जैसे कोई आपके घर वाले पेरेंट्स क्या करते हैं, जब आप पेरेंट्स के साथ होते हो तो आप पे नजर रखते हैं। अगर आपको बाहर भेज दिया हॉस्टल में, अगर वो हर महीने आपके पास आते रहे तो आप पे क्या एक चेक रहेगा, आप भी थोड़ा सा रहोगे उसमें प्रेशर में कि हाँ भाई कभी भी आ सकते हैं, थोड़े सुधरे रहोगे। आपको फ्री छोड़ दिया तो आप कुछ भी कर सकते हो। ऐसे ही आप एनपीए बनने ही मत दो ना, किसी को बिगड़ने ही मत दो, आप एनपीए बनने ही मत दो, आप एनपीए बनने से पहले उस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। तो उसके लिए है एसेट क्वालिटी रिव्यू, आप हर एसेट का रिव्यू करो, हर एसेट का क्या करो, आप रिव्यू करो। एसेट मतलब लोन, आप 90 दिन के बाद चिंता कर रहे हो, इससे बेटर है कि आप कब चिंता करने लग जाओ, आप उससे पहले चिंता करने लग जाओ। तो आप क्या करो, आप एसेट्स को क्लासिफाई करो। ठीक है, ये देखो, क्लासिफाई स्ट्रेट एसेट्स एंड प्रोविजनिंग फॉर देम सो एज टू सिक्योर द फ्यूचर ऑफ द बैंक्स एंड फर्दर अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एसेट्स एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम बिकमिंग स्ट्रेस्ड बाय एप्रोप्रिएट एक्शन। आप अर्ली आइडेंटिफिकेशन करो। अर्ली आइडेंटिफिकेशन कैसे करोगे, आप देखो कि सबसे पहले आप तीन में डिवाइड कर दो, एसएमए 0, एसएमए का मतलब है स्पेशल मेंशन अकाउंट, ये आरबीआई ने बनाया है स्पेशल मेंशन अकाउंट, वहां पे आपको सारे लोन्स की डिटेल डालनी है जिनमें 5 करोड़ या उससे ज्यादा का लोन दिया गया है। उसमें आपको डालना है सबसे पहले कि कौन सा लोन ऐसा है जिसपे पेमेंट ओवरड्यू है 1 से 30 दिन के लिए। 1 से 30 दिन आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि इस पे 1 से 30 दिन मतलब अभी नहीं आया इस पे इंटर, फिर देखो एसएमए, अब वो एसएमए 0 है, फिर वो एसएमए 1 बनेगा। एसएमए 1 वो जिसमें 31 से लेकर 60 डेज तक पेमेंट नहीं आया, फिर एसएमए 2 बनेगा अगर उस पे तीसरे महीने में नहीं आया। जैसे ही वो एसएमए 2 बनने लगे वैसे उस पे एक्शन ले लो, उस पे एनपीए बनने ही मत दो, क्योंकि एक बार एनपीए बन गया तो उस कंपनी के शेयर्स की वैल्यू भी कम हो जाएगी, तो आप एनपीए बनने ही मत दो। तो एसेट क्वालिटी रिव्यू क्या बोलता है कि आप क्या करो, क्वालिटी एसेट्स का रिव्यू करते रहो हर महीने, 3 महीने का पीरियड मत लो, आप हर महीने रिव्यू करते रहो। लेकिन आपको पता है बैंक्स तो बैंक्स हैं, यहाँ पे पूरा पॉलिटिक्स, ठीक है, पूरा का पूरा उसका वो है नेक्सस है, कोई नहीं करता, कौन इतनी मेहनत करेगा। ठीक है, आरबीआई ने बोला करो लेकिन नहीं करते, जो डिफॉल्ट कर गया आपको पहले ही बताया मैंने, प्रेशर इतना रहता है उनके ऊपर, ऊपर से आया दे दो भाई इसको लोन दे देते हैं। तो ये बातें सुनने में अच्छी लगती है कि एसेट क्वालिटी रिव्यू किया, स्पेशल मेंशन अकाउंट बनाया, ठीक है, या फिर हमने सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं, सुधरे है, थोड़ा बहुत फर्क पड़ा है लेकिन इतना फर्क भी नहीं पड़ा है, नहीं तो 9.5 से 11.5% नहीं होता एनपी। जो फ्रॉड होता है, फ्रॉड हो ही रहे हैं, पॉलिटिकल प्रेशर है ही बैंक्स पे आज की डेट में भी, ठीक है, खुद बैंक्स वाले फ्रॉड कर दे रहे हैं, चंदा कोचर, खुद IL/FS ने इतना बड़ा फ्रॉड कर दिया, खुद दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने इतना बड़ा फ्रॉड कर दिया, खुद यस बैंक ने इतना बड़ा फ्रॉड कर दिया प्रमोटर ने खुद ने, तो फिर कहां से आप बचा लोगे बैंक्स को।
ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है जो बैठे हैं वो तो अपना वो वहां से ऊपर से प्रेशर लगाती है अपने यार दोस्तों को लोन दिलवाने के लिए, तो फिर उसमें काहे का रिव्यू कर लोगे। डिविडेंड आपका वेरिएबल होता है, डिविडेंड वेरिएबल होता है, लेकिन जहां पे आपका वो है हमने क्या कह रहा है प्रिफरेंशियल शेयर में वो फिक्स कर दिया हमने, ठीक है, इसलिए वहां पे उसने फिक्स्ड बोल दिया हमने डिविडेंड, लेकिन डिविडेंड हमेशा वेरिएबल होता है। ओके, सो एसेट क्वालिटी रिव्यू, एसेट क्वालिटी रिव्यू आपको क्लियर हो गया, ठीक है, लेकिन इतना काम नहीं करता है क्योंकि आपको पता ही है प्रॉब्लम। देखो ये चीजें अच्छी लगती हैं, आरबीआई भी अकेला क्या करेगा, आरबीआई को पता है, आरबीआई के खुद गवर्नर इस्तीफा दे देते गवर्नमेंट के प्रेशर में, ठीक है। अब है हमारा इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड लास्ट, ठीक है, उसके बाद बैड बैंक है। तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड क्या कहता है आपका, ये बहुत अच्छा कोड है, इसके पीछे रीजन क्या है, ये अच्छा क्यों है, क्योंकि यहां पे आपका बातचीत करने का मौका चल रहा है, बात हो रही है और बात करने से बात बनती है। तो इसमें क्या होता है, आप इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी एक्ट समझो, ठीक है, हमारी इकोनॉमी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है चक्रव्यूह चैलेंज, ये लिखा हुआ है चक्रव्यूह चैलेंज, हमारी इकोनॉमी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुआ क्या, आपको चक्रव्यूह का तो पता ही है कि आपने पढ़ाई है महाभारत में, ठीक है, चक्रव्यूह जो था, जो किसने बनाया था, कौरवों ने बनाया था जो चक्रव्यूह, उसको अर्जुन तोड़ सकते थे, उस समय अर्जुन थे नहीं, तो कौन तोड़ सकता था, अभिमन्यु, लेकिन अभिमन्यु सिर्फ उसमें अंदर घुस सकता था, ठीक है, क्योंकि उसने उतना ही सुना था अपनी माँ के पेट में जब था, उसने उतना ही सुना था, उसके आगे बाहर कैसे निकलना है वो नहीं सुन पाया था क्योंकि उसकी मदर सो गई थी उस समय, तो वो उसके अंदर घुसना जानता था, बाहर निकलना नहीं जानता, मतलब एंट्री। हमारा भी इकोनॉमी ऐसी है, हमारा जो मार्केट है वो ऐसा ही है। अगर मेरे को एक एयरलाइंस खोलनी है, मेरे को एक एयरलाइंस नई लॉन्च करनी है, मैं उसमें एंट्री आसान है, लेकिन उससे एग्जिट करना बहुत मुश्किल है। एक बार मैं आ गया, उसके बाद मेरे अगर एनपीएस मैंने लोन नहीं दिया तो मेरे को बाहर नहीं निकलने देंगे। अदरवाइज आप फॉरेन में जाओ, आसानी से आपको बाहर निकलने देते हैं, आपकी हेल्प करते हैं बाहर निकलने में, आपके एसेट्स बिकवा देंगे, आपका लोन भी पे करने में हेल्प कर देंगे, यहाँ पे नहीं करते, यहाँ तो कैसे आपको ऐसे क्रिमिनल ट्रीट किया जाएगा। तो दिक्कत यह है हमारी इकोनॉमी में, दिक्कत है, एंट्री ईजी है लेकिन एग्जिट बहुत मुश्किल है। अब होता क्या है, आज की डेट में तो सिर्फ आपका एंट्री ईजी है, एग्जिट मुश्किल है, किसी टाइम पे ऐसा था 1991 से पहले, 1991 से पहले जब हमारे एलपीजी रिफॉर्म्स नहीं आए थे, एलपीजी रिफॉर्म से पहले आपकी एंट्री भी मुश्किल थी, एग्जिट का तो आप भूल ही जाओ, मतलब चक्रव्यूह में आप घुस भी नहीं सकते थे, निकल भी नहीं सकते थे। फिर एलपीजी रिफॉर्म्स आया, हमने मार्केट को ओपन किया, तो एंट्री हमने बहुत आसान कर दी, लेकिन आज की डेट में भी एग्जिट बहुत मुश्किल है। अब देखो ना, विजय माल्य को अगर एग्जिट रूट दिया जाता, उसके एसेट्स को अच्छे से हैंडल किया जाता, तो उसको देश छोड़ के भागने की जरूरत नहीं। लेकिन ये जो आपका इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड है, ये एग्जिट को आसान बनाता है, किससे, बातचीत से। इंसॉल्वेंसी है क्या, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड है क्या, ये बैंक है, यहां पे आपका बोरोवर है। अब आपको पता ही है, बैंक को बोरोवर पसंद नहीं है, बोरोवर को बैंक पसंद नहीं है, क्योंकि बैंक को ये परेशान कर रहा है, ये बैंक एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते, क्योंकि एक दूसरे से बनती नहीं है। बैंक बोलेगा मेरा लोन वापस कर, इस पे एक्शन लेगा उल्टे सीधे। बोरोवर जैसे कई बार नहीं होता है, यहाँ पे आपके पेरेंट्स होते हैं, यहाँ पे आपके मदर है, ठीक है, पेरेंट्स होते हैं, हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हो गई, अब एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते, तो हस्बैंड क्या होगा, यहाँ बीच में बच्चे हैं, उनके बच्चे हैं, उनसे बोलेंगे कि बेटा आज पनीर बनवा ले, बेटा मैं लेट आऊंगा ऑफिस से, मतलब इनडायरेक्टली कोल्ड वॉर चल रहा है। ये बच्चों को बोलेंगे, बच्चे जाके अपनी मम्मी को बोलेंगे,
मम्मी पापा लेट आएंगे, आज ये बना लो, ऐसे ही यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते। बैंक वाला कहता है कि मेरा लोन वापस कर, तूने लोन वापस नहीं किया। बोरोवर कहता है यार मुझे नया लोन दे दो या फिर मुझे थोड़ा टाइम दे दो। बैंक सुनने को तैयार नहीं है, बोरोवर उसके सुनने को तैयार नहीं है कि अभी नहीं है मेरे पास पैसा, कहाँ से। बीच में एक आप मीडिएटर डाल दो बातचीत करने, जो कैसा हो मीडिएटर आपका अनबायस, ना इससे कोई मतलब ना इससे कोई मतलब, और वो कैसा हो प्रोफेशनल, जिसे हम कहते हैं इनसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। बीच में आपने एक मीडिएटर डाल दिया, अब क्या होगा, इस बैंक का मान लो इस पे 100 करोड़ लोन है, ये मदर ये अरा देता हूँ हस्बैंड वाइफ ने, मान लो इस पे 100 करोड़ का लोन है, यहाँ 100 करोड़ इन्वॉल्व है। अब क्या होगा, ये जो मीडिएटर है ये पहले बैंक के पास जाएगा, और एक बैंक नहीं 10 बैंक भी हो सकते जिनसे लोन लिया हो इसने अकेले ने, वो 10 बैंक के पास जाएगा, फिर ये बोरोवर के पास जाएगा। अब ये बोरोवर के पास जाके कोई भी स्कीम लगा सकता है, 5/25 का यूज कर सकता है, ये सस्टेनेबल डेट रिस्ट्रक्चरिंग का यूज कर सकता है, ये S4A का यूज कर सकता है, या फिर ये हेयर कट मतलब कि लोन में रिबेट दे सकता है, ये इसको बहुत सारे ऑप्शन देगा कि भाई तू 5/25 ले ले, तू HDR ले ले, तू S4A ले ले, या तेरे 100 करोड़ है 100 करोड़ की जगह तू 80 करोड़ चुका दे एक किश्त एक बार में, या इसको टाइम दे देगा 1 महीने में 80 करोड़ चुका दे। फिर ये प्रपोजल जो इन दोनों के बीच होगा फाइनलाइज, वो लेके ये बैंक के पास जाएगा कि भाई ऐसी ऐसी बात हुई है उससे ये फिक्स हुआ है। अगर बैंक राजी होगा, सारे बैंक मान लो 4-5 से लोन लिया, सारे राजी होंगे, तो इनमें से जो भी डिसीजन होगा वो फाइनलाइज कर दिया जाएगा, इसकी कंपनी भी बच जाएगी, लोन भी इसको वापस मिलता रहेगा। अगर नहीं होती है बातचीत होने के बाद भी, कुछ नहीं होता है बातचीत होने के बाद भी, ये दोनों अड़े हुए हैं, मान लो इससे बातचीत करी लेकिन ये बैंक नहीं मान रहा है, उसके बाद ये जो प्रोफेशनल है इनसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, ये क्या करेगा, ये कंपनी को लिक्विडेट करेगा, ये लिक्विडेट करने का काम भी इसी का है, कंपनी को बेचेगा, लिक्विडेट भी यही करेगा। बैंक्स को टेंशन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बदले में ये क्या लेगा, जैसे कोर्ट में वकील केस लड़ते हैं आपका, दो पार्टीज होती है, उसका वकील इसका वकील, ऐसे ये इनसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स होते हैं, इनके लिए ट्रेनिंग के लिए इनसॉल्वेंसी के लिए एजेंसीज हैं बहुत सारी, ठीक है, वो इनको कराती है ट्रेनिंग। जैसे आपको अगर वो बनना है एयर होस्टेस बनना है या एयर स्टीवर्ड बनना है, तो उसके लिए आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है जाके, ठीक है, जो इनकी अलग अलग इस तरह की एकेडमीज होती है, ऐसे इनके लिए भी आपको उन एकेडमी से ट्रेनिंग लेनी, ठीक है। तो ये एक तरह से क्या होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, ऐसे नहीं कि कोई भी उठ के आ गया, तो ये प्रोफेशनल होते हैं। बाद में ये लिक्विडेट करेगा उसको कंपनी को, और लिक्विडेट करने के बाद सबसे पहले पैसा किसको देगा, सबसे पहला पैसा किसको देगा, बैंक्स को, जो क्रेडिटर्स हैं। बैंक्स ने सबसे पहले बैंक्स को मिलेगा ना, क्योंकि बैंक्स ने इसको क्या दिया है, डेट दिया है, तो बैंक्स के पास क्या है, बैंक्स ने इसको डेट दिया, तो सबसे पहले इनको मिलता है, फिर बाद में शेयर होल्डर्स को मिलेगा इक्विटी को। सबसे पहले लिक्विडेट जब भी होगी कंपनी, सबसे पहले पैसा किसको मिलेगा, जिसने डेट दिया है, बैंक से जिन्होंने लोन दिया है वो डेट है, लोन दिया वो डेट है। उसके बाद उस बैंक में जिसके वो उस कंपनी में जो आपकी कंपनी बिकी है उसमें जिसके शेयर्स होंगे, अगर कुछ पैसा बचा तो उनको जाएगा। मैंने अभी आपको समझाया, सबसे पहले लिक्विडेट होती है तो किसको मिलता है, शेयर होल्डर को, उसको जिसके पास डेट, जिसने वो दिया है, क्या आपका बॉन्ड होल्डर, सबसे पहले उसको मिलेगा जिसने उधार दिया है। सेकेंड नंबर पे किसको मिलेगा, सेकेंड नंबर पे मिलेगा प्रिफरेंशियल वाले को, और थर्ड नंबर पे किसको मिलेगा आपके लास्ट में, जिसके शेयर्स। तो सबसे पहले किसको मिलता है, बैंक्स को मिलेगा, क्योंकि बैंक्स ने उधार दिया है। तो मान लो ये मैंने कंपनी का लिक्विडेशन किया, ठीक है, इसको हटा रहा हूं मैं, सारी को स्क्रीनशॉट लो उसका, मैंने कंपनी का लिक्विडेशन किया, और कंपनी का लिक्विडेशन करके मान लो मेरे पास आया 120 करोड़ रुपया मिला, उसमें से सबसे पहले 80 करोड़ जो था वो बैंक्स को मिल जाएगा उनका, ठीक है, और 40 करोड़ जो बाकी बचा वो उसके जो शेयर होल्डर्स होंगे उसमें बटे।
और मान लो ऐसा होता है कंपनी का लिक्विडेशन किया 70 करोड़ में बिकी हो, तो 70 करोड़ पूरा बैंक को मिल जाएगा शेयर होल्डर्स को नील बटे सब में। पहला हक किसका होता है? जिसने डेट दिया है, जिसने उधारी दी है, क्रेडिटर जिसने उधारी दी। लास्ट में जाके किसको मिलेगा? जो आपके शेयर होल्डर्स। तो ये है आपका इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। खास बात क्या है इसमें, बीच में जो आ गया आपने एक प्रोफेशनल को डाल दिया, वो दोनों के पास जाता है, दोनों से नेगोशिएशन करता है। वॉइस में कुछ प्रॉब्लम है मेरी में? मैंने रिमूव नहीं किया है, एसआर कॉलेज ने रिमूव किया है। वॉइस में कुछ प्रॉब्लम है मेरी में? इज देयर एनी प्रॉब्लम? एम आई ऑडिबल? चकुल आप क्यों बोल रहे हो कि ऑडिबल नहीं है? पूरा रिदम खराब कर देते हो आप। ओके, क्लियर है? ठीक है, मैं किसी को रिमूव नहीं करता हूं। एसआर कॉलेज, मैंने कहा ना मैनेजमेंट, मेरी किसी से कोई वो नहीं है, ना मुझे किसी से कोई बहुत ज्यादा, मेरे को ये है कि मैं किसी को फेवर करता हूँ, ना ऐसा है कि किसी को मैं परेशान करता हूँ। मैं सीधा सा उसूल है, जो एसआर कॉलेज मैनेजमेंट बोलेगा मुझे वो करना है। ठीक है, मेरा किसी से कुछ पर्सनल नहीं। ठीक है, तो आपको समझ आ गया? इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी को, ठीक है। अब मैंने क्या है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के लिए स्लाइड्स इसके लास्ट में दिए, वो आपने घर जाके पढ़नी है। उसमें से कुछ समझ नहीं आएगा तो आप मुझसे पूछना, ठीक है। बस ये याद रखना कि चक्रव्यूह चैलेंज को तोड़ने के लिए बनाया गया है एग्जिट प्रॉब्लम। इट हैज बीन फॉर्मुलेटेड टू टैकल द चक्रव्यूह चैलेंज ऑफ द एग्जिट प्रॉब्लम इन इंडिया। द एम ऑफ दिस लॉ इज टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट एंड बैलेंस द इंटरेस्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स by consolidating and amending the laws related to reorganization and insolvency resolution of corporate persons, partnership firms and individuals in a time-bound manner. वो भी time-bound manner में होता है सब कुछ, 180 से 270 दिन के बीच में, and for maximization of value of assets of such persons and matters connected. ठीक है, assets आपके बचा लिए आपने, नहीं तो वो assets पड़े पड़े खराब ही होते हैं। ठीक है, आपने बैंक वाले को भी बचा लिया, आपने कॉर्पोरेट को बचा लिया, और कुछ नहीं हुआ तो फिर आपने लिक्विडेट कर दिया। ठीक है, अब पब्लिक एआरसी वर्सेस प्राइवेट एआरसी, ये भी एक देख लो। एआरसी अभी हमने बात करी थी, एआरसी की बात करी ना मैंने, एआरसी की बात हमने करी। तो क्या है, जो आपका इकोनॉमिक सर्वे है, इकोनॉमिक सर्वे बोलता है कि एआरसी होनी चाहिए पब्लिक, यानी गवर्नमेंट उनको कंट्रोल करे, गवर्नमेंट उनको कंट्रोल करे। और जबकि आपका विरल आचार्य, ये पहले आपके डेप्यूटी आरबीआई गवर्नर थे, अभी भी है विरल आचार्य, अभी नहीं, डेप्यूटी गवर्नर विरल आचार्य, इन्होंने बोला कि एआरसी होनी चाहिए कैसी, प्राइवेट, वो ज्यादा एफिशिएंट होगी। तो इसको लेके डिबेट है, ठीक है, अभी रिसेंटली ये डिबेट क्यों है, ये डिबेट इसके डिबेट का कारण ये है कि जो आपका ईस्ट एशियन क्राइसिस, ईस्ट एशिया में भी एक क्राइसिस आया था 1997 में, सेम वहां पे एनपीएस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, तो वहां पे इस चीज को जो हैंडल किया था, वो हैंडल किया था किसने, प्राइवेट एआरसी। ठीक है, तो जो आपकी प्राइवेट एआरसी है उसको कौन आपका सपोर्ट करता है, विरल आचार्य। अब इसमें बात समझो आप, ना हमें इनकी जरूरत है ना इनकी जरूरत है। वो क्या बोलते हैं कि आप इनको हटाओ, आप एक बना दो पारा बैंक, पारा और बैड बैंक, पारा और बैड बैंक बना दो। ये देखो यहाँ पे पारा की फुल फॉर्म देखो, यहाँ पे लिखी हुई है, ये फुल फॉर्म याद रखना, पब्लिक एसेट रिहैबिलिटेशन एजेंसी। अब क्या होगा, पारा क्या करेगा आपका, थोड़ा सा मैं फास्ट जा रहा हूं खत्म करना,
पारा क्या करेगा आपका, पारा और बैड बैड पारा और बेड बैंक, ठीक है। पारा और बेड बैंक क्या करेगा, सारे बैड लोन्स ले लेगा। कौन से, जो सारे एनपीए है। सारे एनपीएस को टेक ओवर कर ले, सारे एनपीएस को टेक ओवर कर ले। अभी देखो दिक्कत क्या हो रही है, दिक्कत ये हो रही है कि अभी आपका हर बैंक अलग से डील कर रहा है। आप एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी बना दो पारा के नाम, बैड बैंक के नाम, लेकिन दिक्कत ये है कि आपने पारा बैंक बनाया, ठीक है। पारा बैंक बनाने के बाद मान लो उसने एनपीए 4 लाख करोड़ के आसपास के एनपीए मान लो उसने टेक ओवर किया, अब उसके बाद वो क्या करेगा, इन एनपीएस को वो क्या करेगा, वो आगे जाके इनके एसेट्स को बेचेगा या रिकवर करेगा, लोन जितना हो सकता है वो अपने तरीके से रिकवर करेगा। अब इनकी वैल्यू पहले ही कम हो चुकी है, एनपीए बन चुके हैं जो एसेट्स हैं वो, तो एसेट से मान लो मुझे 3 लाख करोड़ ही मिलेंगे वापस, तो 1 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। ये 1 लाख करोड़ कौन पे करे, हु विल पे, इस पे डिबेट है कि ये लॉस कौन सहेगा, क्या बैंक से सहेंगे, क्या गवर्नमेंट सहेगी, या कोई प्राइवेट एजेंसी बनाई है तो प्राइवेट वाला सहेगा। इसलिए अभी तक पारा बैंक नहीं बना, अदरवाइज इट इज ए गुड आइडिया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आप एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी बना दे रहे हो जो सारा का सारा देखे। अदरवाइज अभी क्या है, हर बैंक आपका एनपीए के चक्कर में परेशान रहता है, वो बाकी चीजें देख ही नहीं पाता है। अगर आप बैड बैंक बना दोगे तो सारे लोन्स को क्या है, टैकल ये करेगा आपका बैड बैंक। लेकिन अभी बैड बैंक बना नहीं है तो हम इसके वर्किंग के बारे में कुछ नहीं कह सकते, बस हम इतना कह सकते हैं अगर बनेगा तो ये एनपीएस के साथ डील करेगा तो उसको लॉस तो होना ही होना है, तो वो लॉस को लेके थोड़ा सा आपका डिपेंड, ठीक है, क्लियर। जफर ये फालतू के वो मत लिखो यहाँ पे मैसेजेस, यू आर होस्ट आई विल कंप्लेन, आपको करनी है कंप्लेन कर देना, किससे करोगे कंप्लेन, ठीक है। एसआर कॉलेज ने मुझे बोला टू रिमूव यू एंड पूर्वा, सो आई रिमूव बोथ ऑफ यू, now you are again admitted in the class, वो बात बहुत बड़ी बात है, आपको वापस एडमिट हो गए, you are writing such things, I will again remove you, I got the message from SR college management, ठीक है। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं आपको रिमूव करने जाऊंगा, मेरी क्लास का नुकसान होता है इतने में, why are you writing such messages, ठीक है। कंप्लेन करना है आप करिए, व्हाई आर यू राइटिंग सच मैसेजेस, डायरेक्ट करिए कंप्लेन, ऐसा जैसा मुझे बोलेंगे वैसे रिमूव करना पड़ेगा, मेरा तो 5 मिनट खराब हुआ आपको रिमूव करने में। बैड बैंक, ठीक है, ये बैड बैंक आपका लिखा हुआ है, इकोनॉमिक सर्वे 2016-17 ने बात की थी इसकी, फॉर्मेशन ऑफ ए बैड बैंक विच विल टेक ऑल द स्ट्रेट लोन एंड इट विल टैकल इट अकॉर्डिंग टू फ्लेक्सिबल रूल्स एंड मैकेनिज्म, अपने तरीके से। It will ease the balance sheet of PSBs. PSB से loan निकल गए हो, giving them the space to fund new projects and continue the funding of development projects. बाकी चीजों को वो देख पाएंगे, तो bad bank से ये फायदा है, ठीक है। अब ये बाकी के जो 2-3 slides है ये आप पढ़ लेना घर पे, आपको समझ आ जाएगा। merger of banks भी आप एक बार देखना, नहीं समझ आए तो कल हम देख लेंगे। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी का कल ही देख लेते हैं, फिर इनको देख के फिर ही खत्म करेंगे। थोड़ा सा आपको बच गया, मर्जर है,
दो तीन स्लाइड्स आप मर्जर और बैंक से, उसके बाद आपके ये कुछ फाइनेंशियल इंक्लूजन है, अभी तो बचा है थोड़ा, कल लग जाएगा आधा घंटा फोन में। प्रधानमंत्री जनधन योजना है, उसके बाद इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टसी कोड डिटेल में मैं आज ये भेज दूंगा, ये आपको पढ़ना है कुछ जाके। और कुछ मिसलेनियस टर्म्स है जो आप पूछ रहे थे अभी बार बार, फार्म लोन्स, डेट वेवर, लोन राइट ऑफ, विलफुल डिफॉल्टर, उसके बाद ये कुछ और सॉल्यूशंस दिए गए थे, 4R, रिकॉग्निशन, रिजोल्यूशन, रिकैपिटलाइज रिफॉर्म, एंड 4D, डिसेंटर, डिफरेंशियल, डाइवर्सिफाइड, डीरेगुलेट, ये सब कल देखेंगे, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, अगर किसी को डाउट है यू कैन आस्क। Anyone having any doubt, you can ask. ठीक है, कल खत्म हो जाएगा बैंकिंग, और कल से बजट शुरू भी हो जाएगा, ठीक है? कल से बैंकिंग